काफी पता नहीं। सिंह, आप सभी को नमस्कार। एससीईआरटी द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ई तुम्हार द्वार के दूसरे चरण का आगाज पहले ही हो चुका है और आज उसके फॉलोअप के लिए ये स्टेट लेवल वेबिनार रखा हाँ गया है। आज के इस वेबिनार में हम मुख्य रूप से मोहल्ला, कक्षा एवं अन्य जो विकल्प हमारे बीच पढ़ाई को लेकर है उससे उस पर चर्चा करेंगे। जो सेतु अभियान एससीईआरटी ने तैयार किया है उस पर भी चर्चा होगी और बच्चों के आकलन पर चर्चा होगी। हमारे बीच में एससीईआरटी के इस राज्य स्तरीय वेबिनार में मुख्य रूप से उपस्थित हैं हमारे एडिशनल डायरेक्टर एससीईआरटी डॉक्टर योगेश शिवरे सर। मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हैं एससीईआरटी में हमारे जो डिप्टी कलेक्टर के रूप में यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर के रूप में यहाँ पदस्थ हैं श्री उमेश कुमार साहू जी। मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में समग्र शिक्षा के असिस्टेंट डायरेक्टर और वहाँ का जो पेडागॉजी का पूरा कार्यक्रम संभालते हैं डॉक्टर एम सुधीश जी, उनका मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में एससीईआरटी के जो इस प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं डेकेश्वर वर्मा जी, वो भी हैं। और एससीईआरटी के श्री ए के सारस्वत जी, जो पूरे पीटीडी प्रोग्राम में गत वर्ष मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी और पूरे संभाल रहे थे, वो भी उपस्थित हैं। श्री ए के सारस्वत जी, उनका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर विद्या चंद्राकर मैडम जो एससीईआरटी के असिस्टेंट प्रोफेसर, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और आप सभी माननीय जिला शिक्षा अधिकारीगण, डाइट के प्रिंसिपल्स और हमारे डीएमसी और पूरे प्रदेश के संकुल समन्वयक और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी और शिक्षकगण, सर्वप्रथम हम आपको मालूम ही है कि कोरोना संक्रमण के कारण इस बार भी स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ शासन ने गत वर्ष से एक वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की है, पढ़ई तुम्हार द्वार। उसका दूसरा चरण है। पहले साल के अनुभव को लेकर हम इस बार क्या करने जा रहे हैं यह आपको बताने के लिए उपस्थित हैं हमारे बीच एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर योगेश शिवरे सर। मैं शिवरे सर को सादर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद प्रशांत जी, आप सभी साथियों का इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। बड़ी संख्या में हमारे CACs, डाइट प्राचार्य, DOs, शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं और इस बार जो हम जो करने जा रहे हैं इसके लिए जैसा जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं अवगत हैं कि दो आदेश यहाँ से जारी हुए हैं। एक 18 जून का आदेश है जो शासन ने जारी किया है और 26 जून के आदेश आयुक्त लोक शिक्षण के द्वारा जारी किए गए। पिछले वर्ष भी हमने जो है बहुत सारे प्रयास किए थे जिसमें प्रमुखतः ऑनलाइन कक्षाएं चली थी, मोहल्ला क्लासेस चले थे, लाउड स्पीकर स्कूल, बुल्टू के बोल और विभिन्न शिक्षक साथियों ने तरह तरह के इनोवेशन किए। इस वर्ष भी वह सब योजनाएं चलनी हैं, किंतु बुनियादी फर्क ये है कि पिछले साल जब हमने इन प्रयासों को किया था तो जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हमारे पोर्टल के थ्रू हो रही थी उसको हम प्रॉपरली मॉनिटर कर पाए थे। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारियों ने ब्लॉक स्तर पर और विभिन्न जो हमारे क्रिएटिव शिक्षक हैं उन्होंने जो कक्षाएं ली थी ऑनलाइन उनको हम प्रॉपरली मॉनिटर नहीं कर पाए थे। इसी तरह से मोहल्ला कक्षाओं का भी संचालन काफ़ी हुआ था और मुझे लगता है कि 30% के आसपास जो है बच्चे उसमें जुड़े हुए थे, किंतु प्रॉपरली मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय। इस वर्ष आप किसी भी रूप में काम करेंगे, या आप ऑनलाइन पढ़ाएंगे अथवा यदि आप मोहल्ला क्लासेस पढ़ाएंगे तो एक एक बच्चों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इस बार बहुत ये खुशी की बात है और जिला शिक्षा अधिकारियों और सभी फील्ड के अधिकारियों को
मैं बधाई देता हूँ कि हमारे पास एक से कक्षा एक से लेकर 12वीं तक सभी मैनेजमेंट में चलने वाले विद्यालय, चाहे वो शासकीय विद्यालय हो, अनुदान प्राप्त हो या प्राइवेट हो, लगभग 56 लाख बच्चे हमारे सिस्टम में हैं और 54 लाख से अधिक बच्चों का पंजीयन जो है आप लोगों के प्रयास से संभव हो गया है। कुछ दिनों में बाकी बच्चे भी जुड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि पूरे बच्चे, राज्य के बच्चे, चाहे वो किसी भी विद्यालय में पढ़ते हो, किसी भी सिस्टम में हो, अब हम उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपरली बाई नेम कर पाएंगे। तो साथियों, ऑनलाइन कक्षाएं जैसा आप ले रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं, पिछले साल भी ऑनलाइन कक्षाएं बहुत अच्छे से चली थी और आपको यदि आपको लगता है कि आपके बच्चों के पास प्रॉपरली मोबाइल वगैरह हैं और वहां पर नेट कनेक्टिविटी है, डेटा की उपलब्धता है, तो आप ऑनलाइन कक्षाएं भी ले सकते हैं। किंतु शासन का ये मानना है और जो हमारे सचिव महोदय, प्रमुख सचिव महोदय, डायरेक्टर SCERT और समय समय पर जो मीटिंग्स हुई है, हम सबको ये लगता है कि मोहल्ला क्लास एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये बिल्कुल उसी तरह से आयोजित किया जा सकता है जिस तरह से आपकी कक्षाएं स्कूलों में आयोजित होगी। तो पहले तो हम आपसे ये बात करेंगे कि किस तरह से आप पोर्टल में जाकर हर बच्चे को रजिस्टर कर सकते हैं, शिक्षक हमको यहाँ पता हो सकता है कि कितनी मोहल्ला क्लास आपके जिलों के किस संकुल में कितनी मोहल्ला क्लास बनी है, उसके किस मोहल्ला क्लास में कौन प्रभारी शिक्षक हैं और उसमें कौन कौन से बच्चे जुड़े हुए हैं। साथ ही प्रतिदिन आपको उस मोहल्ला क्लास में उसी तरह अटेंडेंस लेनी है जिस तरह से हम विद्यालयों में लेते हैं, और हमारे पोर्टल पर केवल उनकी संख्या प्रतिदिन जो है आपको फीड करनी है। तो ये तो हुई बच्चों के रजिस्ट्रेशन की बात और पंजीयन की बात। पढ़ाई के बारे में जहाँ तक प्रश्न है, जिला शिक्षा अधिकारियों को सचिव महोदय ने स्वयं वेबिनार के दौरान ये बताया था कि आपकी प्रत्येक मोहल्ला क्लास अथवा ऑनलाइन क्लासेस जो भी चलेगी, अब वो सिस्टमेटिक उसी तरीके से चलेगी जैसे हम कक्षाओं में पढ़ाते हैं। यानी विधिवत आप पूरे पाठ्यक्रम को यूनिट में बांट लीजिए, उसका टाइम टेबल बना लीजिए और उसी के अनुसार प्रतिदिन विषयवार कक्षाएं आप संचालित करें। इस कक्षाओं के संचालन को जब आप प्रारंभ करेंगे, बच्चा जिस कक्षा में है उस कक्षा के पाठों को जब आप पढ़ाना शुरू करेंगे, उससे पहले कक्षा 1 से 8 तक के लिए SCERT के द्वारा सेतु पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। ये सेतु पाठ्यक्रम पर हमने लगातार 6 दिन वेबिनार लिए थे और 1 से 8 तक के 1,48,000 से अधिक शिक्षकों ने उसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उनको हमने यहाँ से बताया था कि वो किस तरह से सेतु पाठ्यक्रम का संचालन करेंगे और उनको अपनी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही जो जिस कक्षा का सेतु पाठ्यक्रम है, निश्चित रूप से उसके निचली कक्षाओं की दक्षताओं को हमने लिया है और उस पाठ्यक्रम को पहले आपको पूरा करना है 1 माह में। ये जब आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा, फिर आपको अपने मूल कक्षाओं की पढ़ाई प्रारंभ करनी। तो मित्रों, न केवल पढ़ाई पे फोकस है बल्कि आपकी परीक्षाएं भी विधिवत होगी। इस वर्ष असेसमेंट होंगे, कुल इस बार हम 3 असेसमेंट करने जा रहे हैं। पहला असेसमेंट सेतु पाठ्यक्रम पर होगा जो फरवरी के अंत में या अगस्त में होगा। मैं इसलिए ये इस तरह का ऑप्शन है आपके पास क्योंकि आपको 1 माह में अपना सेतु पाठ्यक्रम पूरा करना है और बहुत सारे मोहल्ला क्लासेस में ये सेतु पाठ्यक्रम प्रारंभ हो गया है, तो जिनके 1 महीना हो जाएगा उसके बाद आपको परीक्षा दे। दूसरी परीक्षा जो है वो नवम्बर दिसंबर में होगी जो मिड टर्म आकलन होगा और तीसरी परीक्षा मार्च और अप्रैल में होगी जो एंड टर्म आकलन होगा, जिसको हम मुख्य परीक्षा भी कह सकते हैं। इस बार जो आकलन होगा उसमें बुनियादी फर्क यह है कि आपकी जो परीक्षाएं होगी उसका अभिलेख आपको अपने पास सुरक्षित रखना है, अर्थात बच्चों की जो परीक्षा लेंगे आप कॉपी पेंसिल पे परीक्षा लेंगे, उसका विधिवत आप मूल्यांकन करेंगे और वो जो अभिलेख है बच्चों की उत्तर पुस्तिकाएं आप सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि इस बार आपके मोहल्ला कक्षाओं के मॉनिटरिंग के लिए और असेसमेंट के मॉनिटरिंग के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारी आपके पास पहुंचेंगे। जब वो पहुंचेंगे तब आपको वो उत्तर पुस्तिकाएं दिखानी होगी मांगने पर, जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकें
बच्चों का वास्तविक में परीक्षा हुई है और उनके जो अंक उनको मिले वही अंक जो है आपने पोर्टल में एंट्री किया हुआ है। इस परीक्षा में एक थोड़ा सा और बदलाव है, उसमें यह है कि केवल पास होने वाले बच्चों के बारे में ही नहीं बताना है आपको, बल्कि यदि मान लीजिए आपने कक्षा पाँचवीं की परीक्षा ली और उस परीक्षा में जितने बच्चे पास हो गए तब तो वो पाँचवीं के स्तर के बच्चे हैं, उनका आकलन उस स्तर पर हो गया, किंतु जो बच्चे पाँचवीं में फेल हो गए, मैं पाँचवीं का उदाहरण आपको दे रहा हूँ, तो आपने ये सभी स्तर के लिए बात लागू होगी, जो बच्चे फेल हो गए तो आप उसकी कॉपी को देखने के बाद यह अनुमान करेंगे अपने अनुभव के आधार पर कि बच्चा पाँचवीं के स्तर का तो डेफिनेट नहीं है क्योंकि उसको ई ग्रेड मिला हुआ है, तो वो कौन से स्तर का हो सकता है। यदि वो आप ये आकलन करते हैं कि ये मेरा पाँचवीं का बच्चा है और इसके जो ज्ञान है अभी तीसरी के लायक है, तो आप तीसरी के जो प्रश्न पत्र है उसको देंगे और उसकी परीक्षा कराएंगे। तो इस तरह से आप यदि वो तीसरे में पास हो जाता है इसका मतलब है कि आपके पाँचवीं का बच्चा तीसरी के स्तर है, फिर आपको उस पर मेहनत करके उसका रेमेडिएशन करके पाँचवीं के स्तर पर लाना होगा। यानी इस बार जो आकलन होगा केवल आपको ये नहीं देखना है कि कितने बच्चे पास हो गए या फेल हो गए, बल्कि आपको ये बताना है कि आपका जो बच्चा है वो उस स्तर पर यदि नहीं है तो कौन से स्तर पर। तो ये आकलन के जो दो बुनियादी फर्क हैं वो मैंने आपको बताए हैं कि पहला जो आकलन होगा वो पेपर पेंसिल टेस्ट के साथ होगा, उसके रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएंगे, और दूसरा बच्चा केवल आपको ये नहीं बताना है कि बच्चा फेल हुआ या पास हुआ, यदि वो फेल होता है तो आपको ये भी आकलन करना पड़ेगा कि वो बच्चा कौन से स्तर पर। ये इसके बारे में अभी जब हमारी बात होगी तो आकलन के जो इंचार्ज हैं SCERT की वो आपको अभी जानकारी देंगी, और आकलन पर एक अलग से भी वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। तो मित्रों मैं मूल बात पर आता हूँ कि जब हम कक्षाएं बनाएंगे मॉडल कक्षाएं, अभी यद्यपि हमने पिछले साल ही इसका फील्ड टेस्टिंग कर ली थी और इसके बाद अभी भी जो है ये चूँकि अब हमारे वेब पोर्टल पर ये वाला जो सिस्टम है वो लाइव है, और अभी मैं देख रहा था कि करीब 32,000 मोहल्ला क्लास पूरे राज्य में बन चुकी है आज की स्थिति में, अभी एक घंटे पहले मैंने डेटा देखा है, और 6,00,000 से अधिक बच्चों को आपने जोड़ा है, तो मित्रों इसके लिए बधाई। किंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये संख्या हमारे टारगेट से बहुत कम है, हमारे पास करीब 56,00,000 बच्चे हैं और उसमें से हम 6,00,000 बच्चों को जोड़ पाए हैं। शायद ये कारण हो सकता है कि आप लोगों को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मालूम ना हुआ हो, या हमने सीधे आपका कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया था, तो आज इसलिए SCERT और समग्र दोनों के अधिकारी यहाँ पर हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि मोहल्ला क्लासेस में इस बार क्या तब्दीली है और कैसे हम प्रत्येक बच्चे को हम यहाँ से देख पाएंगे कि कौन सा बच्चा हमारा कहाँ पढ़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद हमारे जो NIC के साथीगण हैं अजय वर्मा जी और शैलेश, ये आपको बताएंगे कि किस तरह से भरना है। बहुत छोटा सा सिस्टम है और मैं अभी देख रहा था कि बीच बीच में हमारे बहुत सारे उत्साही शिक्षक हैं जो वीडियो डालते रहते हैं। मैंने देखा है कि अभी मेरे पास 2 वीडियो आए हैं और मैंने देखा है कि हमारे साथियों ने पहले इस वेबिनार के पहले ही किस तरह से मोहल्ला क्लास बनाई जा सकती है और बच्चों का पंजीयन कर सकते हैं ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो वो उन सभी साथियों को धन्यवाद जो इस तरह के काम में लगे हुए हैं और लगातार जो है अपने शिक्षक साथियों की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज वो भी इस वेबिनार में जुड़े हों, पूरे सिस्टम को समझें और इस सिस्टम के साथ अपने वीडियो को मैच कर लें। मैं साथियों एक बात और कहना चाहता हूं कि जब हमारे वेबिनार्स होते हैं तो स्पेशली जो शिक्षक इस तरह का काम करते हैं जो डिजिटल कंटेंट बनाकर अपने साथियों के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह है कि वो पूरे सिस्टम को एक बार स्वयं अच्छे समझ लें, क्योंकि आपके वीडियोज़ बहुत अधिक संख्या में शिक्षक देखते हैं और वो उस जानकारी को सही मानते हैं, जबकि मैं देख रहा हूँ कि कई बार जब आप लोग वीडियो बनाते हैं तो वो छोटी मोटी चूक आपसे हो जाती है। वो होना इसलिए भी स्वाभाविक है कि आप लोग जो सामग्रियाँ हैं या पढ़कर देखकर आप जितना समझते हैं उतने पर ही आप वीडियो बनाते हैं, तो मेरा आग्रह है
कि वीडियो बहुत अच्छी बात है, लगातार आप बनाएं, परंतु उसको एक बार बनाने के पहले हमारे एससीआईटी में या समग्र में जो भी आपके जिनके साथ कांटेक्ट है उनको भेज दीजिए और एक बार उसको वेरीफाई करा लीजिए कि हाँ ये हमारी जानकारी पुख्ता है। अदरवाइज क्या होता है कि शिक्षकों के बीच गलत जानकारी जाती है। यद्यपि मैं आज वीडियो देख रहा था तो काफ़ी कुछ साम्यता है। मैं उन सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि इस वेबिनार को देखें, समझें और इस पे और अच्छे वीडियोस जो पूरी तरह हमारी योजना के साथ हो, उसके समान हो, उस सिस्टम को मैच करते हों, उसको बनाकर अपने साथियों के साथ साझा करें। तो साथियों, इस बार जो हम मोहल्ला क्लास बना रहे हैं उसमें प्रमुखता के साथ जिम्मेदारी सीएससी के साथ है। सिस्टम में कोई बदलाव नहीं। हमने पोर्टल पर जो पहले व्यवस्था की है वो ये है कि मोहल्ला क्लास का आइडेंटिफिकेशन। तो हमारे जो सीएससी साथी हैं उनको केवल दो काम हैं, एक तो आपको आपके संकुल में, आपके क्षेत्राधिकार में उन स्थानों का चयन करना है जहां पर मोहल्ला क्लास बहुत अच्छे से चलाई जा सकती है और जो कोरोना के दृष्टिकोण से सुरक्षित हो, वहां साफ सफाई हो और लोगों की वहां उपलब्धता हो। हम चाहते हैं कि जो मोहल्ला क्लास है उसमें कोरोना से सुरक्षा की जिम्मेदारी, वहाँ की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी, वहाँ के साफ सफाई की जिम्मेदारी और वहाँ हमारे जो छोटे छोटे बच्चे बैठेंगे उनके सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर कोरोना के संबंध में जितने एहतियात बरतने हैं वो काम कम्युनिटी करे, वो जनप्रतिनिधि उस काम को करे, वो SMDC वहाँ के जो है पंच सरपंचगण, पार्षदगण, माता पिता, बड़े भाई बहन, ये सब मिलकर हमारे बच्चों को सुरक्षित तरीके से बैठने की व्यवस्था करा दें। और शिक्षकों का काम ये होगा कि वो शिक्षक जिस तरह से विद्यालय में पढ़ाई होती है, अटेंडेंस होती है और उनके असेसमेंट होते हैं, उस तरह से पूरे मनोयोग से पढ़ाई करें। इस पूरे मामले में सीएससी की जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षित तरीके से स्थानों का चयन कर ले और प्रत्येक मोहल्ला क्लास के लिए एक एक शिक्षक, कम से कम एक एक शिक्षक को नियुक्त कर दे। हमने यहाँ पर पोर्टल में उसका नाम प्रभारी शिक्षक दिया है। प्रभारी शिक्षक का आशय वहाँ हेडमास्टर से नहीं है, वहाँ यही आशय है कि वहाँ पर कौन पढ़ाई करवाएगा। तो जो प्रभारी शिक्षक आप एनरोल्ड कर रहे हैं वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो वहाँ पर विधिवत पढ़ाई की व्यवस्था कराए। तो अभी जब हम पोर्टल पर देखेंगे कि किस तरह से हमारे शिक्षक साथी ये दोनों कामों को कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि आपके पास अभी जब नए संकुल बन गए हैं तो 5 से 7 तक लेकर आपके पास विद्यालय हैं, हो सकता है कि 4-5 विद्यालय प्राइमरी स्कूल के हों, 2-3 मिडिल स्कूल के हों, तो आप ये जो मोहल्ला कक्षाओं को बनाएंगे उसको प्राथमिक और माध्यमिक की अलग अलग बना लीजिए। कक्षावार बनाना तो संभव नहीं है, परंतु हम ये चाहते हैं कि माध्यमिक कक्षाओं की मोहल्ला क्लास अलग चले, क्योंकि 6वीं से 8वीं तक के बच्चों का स्तर अलग होता है और 1ली से 5वीं तक आप चाहें तो एक कक्षा बना सकते और प्रत्येक के साथ एक शिक्षक को जोड़ ले। उसके बाद उस प्रभारी शिक्षक जो उस मोहल्ला क्लास के लिए क्लास टीचर होंगे या सब्जेक्ट टीचर भी हम उनको कह सकते हैं, वो जो होंगे उनका काम होगा कि उस मोहल्ले में जितने बच्चे रहते हैं, जो भी बच्चे हैं, ज़्यादातर तो एक मोहल्ले में एक ही स्कूल के शायद बच्चे हों, पर शहरी एरिया अगर में ऐसा हो सकता है कि किसी एरिए में किसी कोई एक वार्ड है वहाँ पर कक्षाएँ चल रही है, कोई आपको बड़ा बढ़िया भवन मिल गया और उसके आसपास 2-3 प्राइमरी स्कूल लगे हो सकते हैं, तो उनके बच्चों को भी चाहें तो एक कक्षा में बैठा सकते हैं। इसलिए ऐसा आप कर सकते हैं क्योंकि अब बच्चे हमारे जहां पर भी होंगे आसानी से उस विद्यालय के टीचर, वहां के हेडमास्टर और हम यहां से देख पाएंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो कौन कौन से मोहल्ला क्लासेस में चल रहे हैं। उनका एक मोहल्ला क्लास में आना ज़रूरी नहीं, क्योंकि UDISE के साथ साथ सभी बच्चों को लिंक कर दिया गया है और आप देखेंगे कि बड़े आसानी से आप खुद भी अपने बच्चों को तलाश सकते हैं कि मेरे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो टीचर मोहल्ला क्लास में अपने बच्चों को जोड़कर जो है वो कक्षा बना लेंगे और प्रतिदिन जो है वो उन बच्चों की, मान लीजिए एक मोहल्ला क्लास में 25 बच्चे हैं तो आपको हर दिन वहाँ पे कितने बच्चे आए हैं एक पंजी में आप उनकी अटेंडेंस ले लीजिए और हमारे पोर्टल पर केवल उस एक सिंगल डिजिट को आपको डाल देना है कि मेरे पास आज 10 बच्चे हैं, मेरे पास आज 15 बच्चे हैं, जो भी नंबर है उस नंबर को खाली आपको डालना। इसके अलावा जब आप असेसमेंट करेंगे तब उन अंक बच्चों के खाली सिंगल अंक जो है उस पोर्टल पे आएंगे, तो उस हमारे जो शिक्षक हैं उनकी जिम्मेदारियाँ बिल्कुल स्कूल की तरह होगी, बस
कक्षाएं किसी स्कूल के भीतर न रखकर एक मोहल्ले में लग रही है, इतना ही फर्क होगा। बाकी उसका संचालन शासन चाहता है उसी तरह चले, उसकी पढ़ाई लिखाई, परीक्षा, उपस्थिति सारा उसी तरह हो जैसा कि हम अपने विद्यालय में बच्चों को करें। तो साथियों, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अभी जो मूल मुद्दा है कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति ये समझ ले कि किस तरह से मोहल्ले कक्षाओं को हमारे CSEs बना सकते हैं और शिक्षक साथी किस तरह से उसमें अपने बच्चों को जोड़ सकते हैं और अटेंडेंस करें। तो इसलिए NIC के अजय जी और शैलेश जी जो है ये हमको बताएं, पोर्टल को करके लाइव पोर्टल जो आपने किया है उसको बताएं कि किस तरह से इस कार्य को किया जा सकता है। वेबिनार लिखे ना, वेबिनार इसमें वेबिनार देखे थे, वेबिनार मीटिंग में वेबिनार। हाँ, NIC के हमारे अजय वर्मा जी और शैलेश नागदेव जी अभी टेक्निकल जो एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे आपको कि किस प्रकार हमको cgschool.in जो पोर्टल है जो पिछले वर्ष 7 अप्रैल से प्रारंभ किया गया है, अभी ये प्रयास किया जा रहा है कि जो आप लोग की डिमांड है यूट्यूब में ये फुल स्क्रीन पे दिखाई जाए, ये प्रयास चल रहा है। हाँ, आज हम मोहल्ला क्लास जो स्कूल के स्वरूप में हमको संचालित करना है उसके साथ साथ नवाचारी गतिविधियों पर भी बातचीत होगी। और इस बार मालूम ही है कि प्राथमिक और मिडिल स्कूल के साथ साथ हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में भी मोहल्ला क्लास की भी मोहल्ला क्लास हमको संचालित करनी है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आज के सेमिनार में। विशेष रूप से गत वर्ष की जो दक्षता है वो दक्षता, क्योंकि हम सभी का जनरल प्रमोशन हो चुका है, वो दक्षताएं वो पहले उनको आ जाए तब हम आगे बढ़ें, इस पर एक विशेष रूप से हमारा STIT के डायरेक्टर सर के निर्देशन में जो सेतु अभियान सेतु पाठ्यक्रम बनाया गया 30 दिन का, वो भी आपके सामने, उस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। और आपको मालूम ही है कि राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग का यह निर्देश है कि इस बार सभी बच्चे का सिस्टमेटिक तरीके से उनको पढ़ाई कराकर कोर्स पूरा कराने के बाद उनका आकलन भी किया जाना है, और तिमाही, छमाही, वार्षिक जैसा हम लोग आकलन स्कूलों में करते हैं ठीक वैसा ही आकलन होना है। और ये आकलन की भी चर्चा आज विशेष रूप से होगी। तो मैं सभी लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो आपके जिले के अभी तक नहीं जुड़े हैं, आज का यह वेबिनार बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबिनार है, इसमें सभी लोगों से अनुरोध है, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से, सभी जिलों के जो वो सभी लोग इन्हें जोड़ें। और अभी जैसा कि डॉक्टर योगेश शिवर सर बता रहे थे, हमारे एडिशनल डायरेक्टर, कि अभी जो संख्या हमारी है 32,000 मोहल्ला क्लास और 6 लाख बच्चे, निश्चित रूप से आपको मालूम ही होगा कि गत वर्ष ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें जुड़े थे, और इस बार मोहल्ला क्लास पर ज्यादा फोकस है। बाकी वैकल्पिक जो व्यवस्थाएं वो तो चलती रहेंगी, लेकिन रूबरू कक्षाएं जो होती हैं मोहल्ला क्लास के रूप में जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो ज्यादा प्रभावी होते हैं। हमको ये भी ध्यान रखना है, कोविड नियमों का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग और
मास्क और सैनिटाइजर, ये तीनों बहुत आवश्यक होंगे मोहल्ला क्लास के लिए। अभी बरसात का समय है, दोनों सुरक्षित हों। आपको मालूम ही होगा कि पूरे समुदाय के सहयोग से इस बार उनकी सहभागिता ज्यादा से ज्यादा होनी है। और सर लग रहा है सामने का और स्पीकर बंद कर दें। তোমায় কথা আমি যাইছে তো তুমি सर साउंड नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रही है। बहुत कम आवाज आ रही सर। हाँ अभी थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपको YouTube में फुल स्क्रीन हम करने की कोशिश कर रहे हैं और वेबएक्स में सारे लोग जुड़े हैं, उतने ही वही सारे लोगों को दिख रहा है। और ये जो cgschool.in पोर्टल है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने होना है, वह फुल स्क्रीन में दिखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स का ये प्रयास है कि हम लोग इसको जोड़ रहे हैं। बस दो मिनट में आपसे हम फिर से आपके समक्ष मुखातिब होंगे। हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट समय है उतना ही समय भरे हम आपसे बात करेंगे उसके बाद। बढ़िया बना लीजिए सर, उसके बाद फिर कीजिएगा। सभी लोगों के लिए एक विशेष सूचना है, जो लोग वेबएक्स से जुड़े हैं। हाँ सती जी कर दे नंबर है व्यक्तिगत शिक्षण संस्थाओं में, व्यक्तिगत शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता। ये क्या बता रहा है जी? गूगल गूगल में आ रहा है, चालू हो गया ये? हाँ ठीक है, नहीं चालू था आप बोलोगे। हाँ चलिए, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी की मांग थी कि YouTube में फुल स्क्रीन पर यह दिखाई नहीं दे रहा था, अब मुझे बताएं कि YouTube पर यह दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर? जो YouTube से जुड़े हैं वो याद है, वो याद नहीं सर। Webex में भी दिख रहा है, Webex में भी दिख रहा है, मैं भी दिख रहा है जी सर। जो Webex से जुड़े हैं वो कृपया YouTube में देखकर बताएं कि चालू हुआ। नहीं वेबएक्स में तो दिख रहा है, यूट्यूब में फुल स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं? एससीआरटी का ये जो यूट्यूब में भी दिख रहा है सर, यूट्यूब में दिख रहा है, फुल स्क्रीन दिख रहा है जी, बालों सर यूट्यूब में भी अच्छे से दिख रहा है सर। दिख रहा है ना आप लोग की मांग? थैंक यू सर। चलिए हाँ चलिए, थैंक यू आप सभी का। मैं अब एनआईसी के जो हमारे मित्र हैं
शैलेश और अजय से अनुरोध करूंगा कि वो cgschool.in पोर्टल के बारे में कैसे एंट्री करनी है, हमको उपस्थिति और इत्यादि के बारे में बताएंगे कक्षा संचालन से संबंधित श्री अजय और शैलेश। और क्या क्या लगेगा इसमें? बस तो बहुत हो गया, राशन कार्ड है जी? नहीं, नमस्कार सर। मैं शैलेश हैरेलिन से बोल रहा हूँ। सीजी स्कूल में सर आवाज इको हो रहा है। अभी आप हम लोग किसकी जरूरत है जब आप सभी को नमस्कार। मैं शैलेश एनआईसी से बात कर रहा हूँ। तरुण आप बोल रहे हैं? सीजी स्कूल में जो क्लस्टर्स जो लॉगिन करके पारा क्लास बनाएंगे उनका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन मैं अभी देने वाला हूँ, और कैसे शिक्षक उसको शिक्षकों को ऐड कर सकते हैं या स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं, उसके बाद उनका अटेंडेंस ले सकते हैं, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको भी दूंगा। इसके लिए cgschool.in में आपको पहले लॉगिन करना है। यहाँ से सबसे पहले क्लस्टर लॉगिन करेंगे। क्लस्टर्स जो रहेंगे उनके पास पावर्स ये रहेगा कि वो पारा क्लास क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि सर ने पहले ही बताया था कि पारा आइडेंटिफाई होगा, आइडेंटिफाई होने के बाद वहाँ पर पारा क्लास को बनाया जाएगा। और सर ने पहले ही बताया है कि ऑलरेडी हमारे पास 32,000 करीब पारा क्लासेस बने हुए हैं। हेलो, तो क्लस्टर किस तरीके से अपना पारा बनाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लस्टर लॉगिन करेंगे अपने आईडी पासवर्ड से। ये लॉगिन क्लस्टर का है, इसमें मैं संकुल एडमिन की रोल में जा रहा हूँ। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट मेन्यू में, संकुल एडमिन के कार्य, उसमें आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन मिलेगा आपको पारा क्लास बनाए, यहाँ आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें मोहल्ला क्लास का आपको नाम दर्ज करना पड़ेगा, जो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये मोहल्ले में क्लास बनाई जा सकती है, वो मोहल्ले का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप स्कूल जो उस संकुल के एरिया में जो स्कूल्स रहते हैं उनका आपको लिस्टिंग मिलेगी। उस लिस्टिंग में आप सपोज एक स्कूल हमने चयन किया, उससे रिलेटेड हमारे पास जो टीचर्स हैं उस स्कूल में जो पदस्थ टीचर्स हैं अभी उनकी लिस्टिंग यहाँ दिखेगी। इनमें से ये फॉर्म में ये बताया जा रहा है कि एक जैसे
प्रभारी शिक्षक जो कि जो पढ़ाएंगे वो एलोकेट होंगे इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये प्रभारी शिक्षक यहाँ पर से हम बनाएंगे, ये फॉर्म में नाम डाला जाएगा, पारा का नाम जो भी हो आपका नाम होगा, और स्कूल चूज करेंगे और उसके बाद प्रभारी शिक्षक को चूज करेंगे, सुरक्षित करेंगे। ये ये एक मोहल्ला क्लास बनेगा जिनके प्रभारी प्रताप सिंह पैकरा होंगे, ऐसा आपको क्रिएट करना है। इतना ही काम अभी क्लस्टर में करेंगे आप। उसके बाद मैं आपको ये जो प्रभारी शिक्षक है, अब ये लॉगिन करके इस शिक्षकों को जोड़ेंगे और उनके स्टूडेंट्स को भी जोड़ेंगे। मैं अभी नेक्स्ट ये अब नेक्स्ट मैं प्रभारी शिक्षक का लॉगिन करना जा रहा हूँ। ये एक प्रभारी शिक्षक है, इनके लॉगिन में मेन्यू दिखेगा लेफ्ट में, शिक्षक के कार्य में जाएंगे, पारा क्लास में विद्यार्थी शामिल करें, देखिए इसमें जैसे क्लस्टर ने जो पारा बनाया होंगे और अगर उसके अभी तो बता रहा अगर उसके पारा क्लास में उन्होंने उनको प्रभारी एलोकेट किया होगा, सपोज दिलेश कुमार दितलहरे ने जी को इन्होंने प्रभारी नियुक्त किया था क्लस्टर ने एक मोहल्ला क्लास के लिए, तो उन मोहल्ले क्लासेस का यहाँ लिस्टिंग आएगा उनको जो प्रभारी शिक्षक है। आप देख सकते हैं इसमें पहले से बना है, जैसे पटेल धर्मशाला कोचरा के पास डिकेश्वरी घर, ये पारा का नाम इन्होंने बनाया था क्लस्टर ने, जिनके प्रभारी शिक्षक कौन थे, ये दिलेश कुमार धृतलहरे, तो उनको ये ऑप्शन यहाँ डिस्प्ले होता रहेगा कि उनके अंडर में क्या क्या पारा क्लासेस हैं। अब ये पारा क्लास को वो पहले चूज करेंगे, उसके बाद जो शिक्षक इस पारा क्लास में पढ़ाएंगे उन शिक्षकों को यहाँ सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं पहले से एक सेलेक्टेड है, क्योंकि ये पहले से बन चुका है तो ये ऑटो फील्ड है पहले से, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि पारा क्लास में ये टीचर भी काम करे तो पुष्पेंद्र तिवारी ये भी इनको चेक कर सकते हैं, संजय राजक इनको भी चेक कर सकते हैं, ये तीनों इस पारा क्लास को ले सकते हैं। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है स्कूल, अभी तो दिलेश कुमार धृतलहरे जिस स्कूल में पोस्टेड है वो स्कूल का बाय डिफॉल्ट आपको चूज किया हुआ रहेगा। अब इसमें ये फैसिलिटी है कि इस क्लस्टर से रिलेटेड जितने भी स्कूल्स हैं उनकी लिस्टिंग भी आपको दिखेगी, चूंकि आप दूसरे स्कूल्स के बच्चे भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो ये फैसिलिटी आपको दिया गया है। सपोज सोनपुरी जो स्कूल है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्कूल चूज करके यहाँ पर उनके स्कूल के बच्चों को भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। अभी इस क्लास 5 में नहीं है, क्लास 10 में देखते हैं। जैसे मैंने अभी सेलेक्ट किया एक स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल कोचरा, इसमें देखिए क्लास 10 के बच्चे मुझे लेने थे, क्योंकि पहले से ही पता रहेगा कि हाँ हमें किन किन बच्चों को लेना है, तो उनकी लिस्टिंग आपको देखिएगा यहाँ दिख रही है। क्लास 10 के जो बच्चे हैं जैसे आनंद स्वरूप, अजीत लाल, ये इनकी लिस्टिंग जो आपने स्टूडेंट पोर्टल में एंट्री की थी वो यहाँ डिस्प्ले होगी, वो रिफ्लेक्शन यहाँ होगा। इसमें से आप बच्चों को चयन कर सकते हैं, मल्टीपल स्टूडेंट को ऐड करके आप ये राइट मार्क में उन्हें शिफ्ट करेंगे, आफ्टर दैट आपको वो लिस्टिंग आपको यहाँ दिखेगी। ऐसे बच्चे आप ऐड कर सकते हैं डिफरेंट स्कूल के भी, आपके क्लस्टर्स के डिफरेंट स्कूल्स के भी ऐड कर सकते हैं बच्चे। ऐड करने के बाद आपको सुरक्षित करना है, ये आपका एक क्रिएट हो जाएगा इन बच्चों के लिए एक पारा जिसमें ये टीचर्स पढ़ाएंगे जो आपने पहले सेलेक्ट किया था। ऐसा करके ये मोहल्ला क्लास आपका बन जाएगा,
और उसमें इतने बच्चे हमारे शामिल रहेंगे। ये बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इनका अटेंडेंस लेना। अटेंडेंस के लिए हमारे पास मेन्यू इसका नेक्स्ट रहेगा, पारा क्लास में विद्यार्थी उपस्थिति दर्ज करें। ये मेन्यू में आप जाएंगे, इनको यहाँ पर पारा का नाम दिखेगा, वो पारा सेलेक्ट करेंगे, उसमें डेट दिनांक डालेंगे किस दिनांक की वो अभी अटेंडेंस देना चाहते हैं। सपोज मैंने 10 तारीख का किया और मैंने देखे क्लिक किया। अब देखिए इसमें एक सिर्फ एक संख्यात्मक जानकारी आपको देनी है। जैसे सर ने पहले ही बताया था कि अटेंडेंस रजिस्टर्ड आपके पास पहले से रहेगा स्टूडेंट वाइज, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ संख्यात्मक काउंट्स ही देनी है और सिर्फ सुरक्षित करना है। ये होगा एक दिन में एक बार ही इसका अटेंडेंस होगा, सिंपली ये करके सुरक्षित करना है आप, यहाँ तक कि आपका पारा जो मोहल्ला क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगा अटेंडेंस लेते तक। ठीक है सर, इधर इधर हाँ बस हाँ धन्यवाद हमारे NIC के शैलेश और अजय, जिन्होंने आपके सामने ये बताया कि cgschool.in पोर्टल में किस प्रकार से हमारे जो मोहल्ला क्लास है उसकी व्यवस्था हमें करनी होगी। अब हम चलते हैं आज के वेबिनार में अगले चरण में, जिसमें आपको मालूम होगा कि पढ़ई तुम्हार द्वार कार्यक्रम में इस वर्ष से यह निर्णय लिया गया है कि प्राथमिक और मिडिल स्कूल के बच्चों के साथ साथ हम हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की भी कक्षाओं का संचालन करेंगे। उन कक्षाओं का संचालन कैसे होगा और ओवरऑल सभी में पिछले बार के अनुभव के आधार पर इस बार नवाचारी गतिविधियां क्या होंगी, इस विषय को लेकर आपके समक्ष आ रहे हैं समग्र शिक्षा अभियान के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर एम सुधीर जी। प्रशांत जी, जैसा कि प्रशांत जी ने बताया कि अभी इस बार जो मोहल्ला क्लास है, पिछले बार तो हम लोगों ने बहुत सारे नवाचार किए थे पढ़ाई तुअर द्वार में, लेकिन ये दूसरा वर्ष है और इस बार थोड़ा सीरियस पढ़ाई शुरू हो जाना चाहिए और खासकर हम लोगों को हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में भी हम मोहल्ला क्लास की पढ़ाई शुरू कर दें, इसके लिए हम लोगों को ध्यान देना होगा। इसलिए अभी जो आगे मैं थोड़ी देर बात करूंगा वो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी से रिलेटेड होगा। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में साथियों इसलिए मोहल्ला क्लास पे फोकस करना जरूरी है क्योंकि एक तो लॉकडाउन का ये लगातार दूसरा वर्ष है, पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है और ऑनलाइन सुविधाएं जिस पे टिकी हुई थी पिछले साल की पढ़ाई तुअर द्वार हाई स्कूल हायर सेकेंडरी वाला सेक्शन, उसका बहुत जगह अभाव है और 10वीं 12वीं की परीक्षाएं जो है किसी भी व्यक्ति के जीवन में काफी महत्वपूर्ण होती है और उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयारी करना होता है और लाइफ के लिए भी उनको तैयार होना होता है। तो इसलिए सेकेंडरी लेवल पे इस बार मोहल्ला कक्षाओं को ज्यादा से ज्यादा फोकस करने का प्लान किया गया है। तो यदि जैसा आदरणीय शिवहर सर ने बताया कि जो मोहल्ला क्लास है आपको संकुल लेवल पे प्लान करना है कि किस प्रकार से ड्यूटीज आपको डिफाइन करनी है, एरियाज डिफाइन करना है, उसी प्रकार से हायर सेकेंडरी लेवल पे जो है हमारे पास शाला संकुल व्यवस्था है जो पिछले साल गठित हुई है, 5540 शाला संकुल गठित हो चुके हैं और उसमें जो प्राचार्य हैं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी वो उसके नोडल हैं, तो उनको हाई स्कूल हायर सेकेंडरी लेवल पर कक्षाओं का आवंटन करना है और ये सब्जेक्ट वाइज होगा क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट्स डिसाइड हो जाते हैं। तो इसमें जो है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी प्राचार्य को शाला विकास एवं प्रबंधन समिति का सहयोग ले लेना चाहिए,
उनके जो पालक हैं बच्चों के उनको विश्वास में लेकर ही काम प्रारंभ करना चाहिए, वरना उपस्थिति नहीं रहेगी। अपनी जो टीम है, जितने भी संकुल के एरिया में शिक्षक है, ना केवल हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में बल्कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं नीचे लेवल पे भी, जो पीजी और अच्छे क्वालिफाइड हैं, उनको भी सब्जेक्ट के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा समुदाय से शिक्षा सारथी को भी ले सकते हैं, और पीएलसी को आप अपने संकुल में जो क्वालिटी से रिलेटेड चीजें हैं उसके लिए काम करने के लिए जिम्मेदारी दे सकते हैं। और साथ में साथियों, मोहल्ला क्लास के संचालन में जो एक बड़ी साइकोलॉजी होती है कि इसमें रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी होना चाहिए। यदि आप ढीलापन करेंगे, दो दिन आए तीन दिन नहीं आए, तो उसके बाद हमारे बच्चे भी आना बंद कर देंगे। तो एक पंक्चुअल तरीके से इसको जब चालू करें तो उस प्रकार से यदि करें तो अच्छा रहेगा। तो एक प्राचार्य शाला संकुल के रूप में जब हम इसके लिए योजना बनाना शुरू करते हैं तो हमको ये देखना होगा कि बहुत सारी चीजें कोरोना महामारी के कारण बदल गई हैं। आप यदि एक एक करके देखें कि क्या क्या बदल गया, तो सबसे पहला सीखने का स्थान बदल गया है। पहले हम विद्यालयों में आके गेट खोल के अंदर कमरों में पढ़ाया करते थे, ब्लैक बोर्ड होता था, लाइट होता था, जहाँ जहाँ प्रोजेक्टर है वहाँ प्रोजेक्टर होता था। ये सारी चीजें बदल गई हैं, खुले मैदान में हमको पढ़ाना पड़ रहा है या कम्युनिटी द्वारा दिए गए स्थान में पढ़ाना पड़ रहा है। तो साथियों, पहला जो है सीखने का स्थान कोरोना के कारण हमारा बदल गया है। दूसरा जो है समय, पहले एक 7:30 से 5:30 या जो भी समय आपके स्कूल का होता था वो निर्धारित था, वो समय भी बदल गया। अब आपकी और बच्चों की सुविधा के हिसाब से और जगह की उपलब्धता के हिसाब से हमको समय का निर्धारण करना पड़ रहा है। सीखने वाले बच्चे, वो बच्चे जो यूनिफॉर्म पहन के आपके स्कूल में टाइम से आते थे, आपकी बात को डिसिप्लिन तरीके से मानते थे, और जब रिसेस होता था बाहर जाना, मध्याह्न भोजन लेना और बाकी जो चीजें स्कूल की नियमित होती है वो करते थे, उनमें भी काफी बदलाव आ गया। कई सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल से आपके स्कूलों में आ रहे हैं, कई सारे बच्चे जो है पलायन करके बाहर से आए हैं, कई सारे बच्चों का जो मानसिक स्थिति है वो काफी दुखद है क्योंकि उन्होंने अपने आप को, अपनों को खोया है। तो बच्चों में भी काफी बदलाव आया है, ऐसे बच्चों को हमको अभी मोहल्ला क्लास में लाकर पढ़ाना है। साथियों, आप सोच रहे होंगे आप तो वही हैं, पिछले पहले भी जो आप थे वो वही है, लेकिन यदि आप इंट्रोस्पेक्ट करें तो आप में भी काफी बदलाव आया है। न केवल बाहरी उसमें आपको मास्क और ये सब पहन के तो आना ही पड़ता है, लेकिन बाहरी के अलावा भीतरी भीतर से भी आप काफी बदल चुके हैं। आपने अपने भी कई सारे साथियों को खोया होगा, रिश्तेदारों को खोया होगा, आप खुद बहुत सारे जो सुरक्षा वाली चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य संबंधी चीजों में भी आपको ध्यान रखना पड़ रहा होगा, तो आपके अंदर भी काफी बदलाव आया है। इसके अलावा जो सीखने, क्या सिखाएंगे, जो रेगुलर हम स्कूल में सिखाते थे वो शायद हम यहाँ मोहल्ला क्लास में नहीं सिखा पाए, हमको कोर्स में कुछ कमियां करनी होंगी, कुछ जरूरी चीजों को प्राथमिकता देनी होगी। तो क्या सिखाएंगे इसको भी हमको अपने संकुल में डिसाइड करना होगा, राज्य स्तर से जो निर्देश होंगे उसके अनुसार हम अपने पीएलसी के माध्यम से उसको भी डिजाइन करना होगा। इसके अलावा जो टीचिंग मेथड है, हो सकता है आप साथियों, एक जो पॉजिटिव चीज अभी कोरोना ने लाया है, टीचिंग मेथड्स में काफी बदलाव आया है। आप देखेंगे कि हमारे जो लाखों की संख्या में जो टीचर्स हैं पूरे देश में, टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत तेजी से उन्होंने मूव किया। जिन लोगों को मोबाइल से केवल बात करने के लिए इस्तेमाल करते थे वो न केवल क्लास ले रहे हैं, कॉपियां जांचने लगे हैं और भी बहुत सारे चीजें वो सभी करने लगे हैं। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग और भी टीचिंग मेथड्स में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं नए सिचुएशन को देखते हुए, तो वो कैसे सिखाएंगे इसके लिए भी हमको प्लान करना होगा। और लास्ट में जो सिखा रहे हैं मोहल्ला क्लासेस में वो वास्तव में बच्चे ठीक से सीख रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में भी हमको यहाँ पर देखना होगा। तो साथियों, जब भी मोहल्ला क्लास के बारे में एक प्राचार्य शाला संकुल अपनी टीम के साथ कोरोना के टाइम में जब काम करना शुरू करे तो उनको इन चीजों पे हम ध्यान देना होगा। अब चलिए इसमें एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले सीखने का स्थान, तो सीखने का स्थान यदि आप उस पर फोकस करें तो आपको सबसे पहले अपने
सेफ्टी के लिए ये होना चाहिए कि एसएमडीसी से लिखित अनुमति ले ले कहाँ पर होना चाहिए, वो सुरक्षित और शांत होना चाहिए, कम्युनिटी से बिल्कुल पालकों से सबसे बात कर ले, और विषयवार यदि अलग अलग जो एरिया है उसको सब्जेक्ट वाइज बांट ले, यहाँ पर साइंस की क्लास होगी, यहाँ इंग्लिश की क्लास होगी, और जो प्राचार्य हैं वो उन टीचर्स को सब्जेक्ट वाइज टीचर्स को टाइम और एरिया देते हुए शेड्यूल कर ले, तो उससे हम नियमित रूप से संचालन कर सकते हैं। और साथियों सबसे प्रमुख बात, इन सब काम को करते हुए हमको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है। सीखने के स्थान में जैसे इस चित्र में दिखाया जा रहा है काफी भीड़ भाड़ दिख रही है, भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, सभी मास्क पहने, निर्धारित दूरी बनाकर रखें और वहां पर सैनिटाइजेशन आदि की व्यवस्था हो। स्थान बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए वरना बच्चे क्लास के बदले बाहर देखने लगेंगे। इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो देखिए साथियों हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में बड़े बड़े मैदान भी होते हैं, तो देखिए एक क्लास सामने दिख रहा है और पीछे क्लास आप देख रहे हैं, दूसरी क्लास दूसरे सब्जेक्ट की क्लास काफी दूर में अलग से छोटा एक ग्रुप बैठा हुआ है, वो इस प्रकार से आप अलग अलग जगह में अलग अलग क्लास सब्जेक्ट के लिए लगा सकते हैं और ताकि एक दूसरे से डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जिससे कि मोहल्ला क्लास में जाने के लिए बच्चों को टाइम से चीजें मिल जाए, स्कीम्स को टाइम से हम इम्प्लीमेंट करें, जैसे यदि थोड़ा दूर है तो साइकिल वगैरह यदि देना है तो साल के अंत को तक इंतजार करने के बदले जल्दी से जल्दी दे दें। स्कूल ग्रांट्स में श्याम पट, रोल अप बोर्ड और बहुत सारे चीजें जो ले सकते हैं मोहल्ला क्लासेस के लिए, वो सारी सुविधाएं हम जल्दी ले लें तो उनका उपयोग हो सकता है। जब अब बात आती है कि कब सिखाएंगे, टाइम क्या होगा, तो सफल तभी होगा मोहल्ला क्लास जब आप पार्टिसिपेटरी अप्रोच में कॉलोनी और मतलब गांव में और लोगों से बात करके, स्टेक होल्डर्स हितग्राहियों से बात करके एक सर्वे कर लेंगे कि कब खोलना चाहिए, कहाँ खोलना चाहिए, कितने समय के लिए खोलना चाहिए और कौन कौन इसमें सहयोग करेंगे, समुदाय से क्या क्या सहयोग, जैसे पीने का पानी हो गया या और भी जो मूलभूत चीजें उस केंद्र में होनी चाहिए उसके लिए क्या क्या सहयोग लेना चाहिए, इसका पूरा प्लान यदि कर लेंगे तो हम सफलतापूर्वक चला सकते हैं। अब आते हैं हम सीखने वाले बच्चों के बारे में। तो सीखने वाले जो बच्चे हैं, एक तो साथियों हमारे जो बच्चे हैं पिछले एक साल से नियमित स्कूल नहीं लगने के कारण स्कूल आने का जो पंक्चुअलिटी है, टाइम से आने का, वो आदत छूट चुका है। अपने आसपास के लोगों को खोने का उनको गम भी है, पलायन और अन्य समस्याओं से बहुत सारे बच्चे ग्रसित हैं, गरीबी वगैरह के कारण घर में जिम्मेदारी लेने का दबाव भी, जो किशोरावस्था के बच्चे हैं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के, उनको आर्थिक सहयोग करने का जिम्मेदारी भी, उसका प्रेशर भी है। जो पॉजिटिव बातें हैं, इस दौरान बच्चे टेक्निक का अच्छा उपयोग करने लगे हैं, जिनको मोबाइल मिल रहा है वो अच्छे से इसका उपयोग करने लगे तो वो सीख सकते हैं इन चीजों को, और दूसरा एक दूसरे से सीखने के लिए वो तत्पर रहते हैं, सोशल लर्निंग वाला ये काम होता है। तो साथियों जब प्लान करें प्राचार्य अपनी टीम के साथ तो बच्चों को क्लास में नियमित कैसे आए इस, और बच्चों का उत्साह कैसे बना के रखें ताकि वो टाइम से पूरी तैयारी और पूरी पढ़ाई के साथ स्कूल में अपने मोहल्ला केंद्र में आना शुरू करें, इसके लिए भी हमको ग्रुप में सोचना होगा ताकि अटेंडेंस अच्छा रहे। इसके बाद जो सिखाने वाले शिक्षक यानी हम और आप, इनके बारे में यदि बात करें तो अभी जो माहौल है सिखाने का वो जोखिम के बीच में हम लोगों को सिखाना है। हमारे स्वयं में बहुत बदलाव आया है, बच्चों को सीखने हेतु रस्सी से नहीं, मतलब कैसे हम अट्रैक्ट करके उनको बांधे रख के रख सके, अटेंशन स्पैन उनके साथ बना सके। आपको खुद को टेक्निक का जानकारी होना चाहिए, जैसे आप सभी लोग टेक्निक के माध्यम से इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, वैसे यदि ऑनलाइन पढ़ाना है या टेक्नोलॉजी का यूज करना है पढ़ाते समय तो उसको कैसे काम करें उसके बारे में आपको ध्यान देना होगा। आपको ऊपर से बहुत सारे निर्णय नहीं आएंगे, वन टू वन एक एक चीज के लिए नहीं आएगा, आपको लोकल परिस्थितियों को देखकर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता अपने आप में विकसित करनी होगी। कम्युनिटी से, शिक्षा सारथी से लेकर स्थान और अन्य चीजों पे हमको सहयोग लेना होगा। और स्कूल से बाहर हम लोग पहले बहुत सोचा करते थे चार दीवार जो है स्कूल की कक्षा की उससे बाहर निकलकर बच्चों को सिखाया जाए, अभी साथियों बहुत अच्छा मौका है, हम स्कूल से बाहर बच्चों को सिखा रहे हैं, लाइफ आसपास का जो परिस्थितियां है उससे हम सीखने के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं और
ऐसे स्थितियों में क्या क्या नया किया जा सकता है। हमारे साथियों ने बहुत नए काम किए हैं, जैसे लाउड स्पीकर स्कूल हो गया, बुलटू के बोल हो गया, मिस्ड कॉल गुरुजी हो गया, ऐसे बहुत सारे इनोवेशंस टीचर्स ने किए हैं। तो मोहल्ला क्लास को और अच्छा बनाने के लिए, रुचि पैदा करने के लिए किस प्रकार से काम किया जा सकता है, ये सारे चीजें हम लोगों को इसमें देखनी होगी। इसके बाद साथियों क्या सिखाएंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। क्या सिखाना चाहिए, इसके लिए शुरुआती दौर में जैसा एससीईआरटी में अभी सेतु पाठ्यक्रम 1 महीने के लिए निर्धारित किया गया है, तो शुरुआती दौर में 9वीं 10वीं 11वीं में भी 12वीं में भी हमको पूर्व के वर्षों के महत्वपूर्ण बिंदुओं का रिविजन कर लेना चाहिए, महत्वपूर्ण बिंदुओं की पहचान कर उसको सिखाना चाहिए। और शिक्षकों के जो समूह है, विशेषज्ञ समूह, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी, उनके माध्यम से इस प्रकार की सामग्री, हार्ड स्पॉट आदि का चयन किया जा सकता है। और मासिक पाठ्यक्रम विभाजन कर एकेडमिक कैलेंडर बनाकर हम अपनी मोहल्ला क्लासेस को टाइमली कोर्स कंप्लीट करने या जितना भी आपने डिसाइड किया है उसको हम कर सकते हैं। इसके बाद कैसे सिखाएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है टीचिंग मेथड्स के बारे में। सबसे पहले साथियों यहाँ पर जिम्मेदारी जो है वो सीखने की, वो बच्चों पर यदि आप दे देते हैं तो सीखना आसान होगा। बच्चे जब जिम्मेदारी लेंगे, वो महसूस करेंगे कि मुझे सीखना जरूरी है, तो वो नियमित रूप से आएंगे, आपके ऊपर दबाव कम होगा। उनके रुचि के हिसाब से आप यदि सिखाएंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से क्लास लेंगे, तो और अच्छे से वो सीख पाएंगे। परीक्षा पर फोकस नहीं करेंगे, उनको लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में बताएंगे। और दूसरा, कैसे सीखते हैं वो यदि सिखा दें तो ज्यादा अच्छे से वो अपने घर पर रहकर भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। सेल्फ लर्निंग पे जोर दें, एक दूसरे से सहयोग करके टीम लर्निंग पे जोर दें, और घर पे बहुत सारे अभ्यास कराने का मौका यदि देते हैं तो हम बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं। तो थोड़ा रोचक तरीकों का इस्तेमाल यदि क्लास में किया जाए, और खासकर जो कतार में बैठने की व्यवस्था है, हम लोगों ने अभी एक सर्कुलर जारी किया था कि कतार में ना बिठा के गोल घेरे में ग्रुप लर्निंग को फोकस किया जाए। तो अभी हम लोग देख रहे हैं जो रोज काफी फोटोग्राफ्स आ रहे हैं वो गोल घेरे में बिठा कर आने लगे हैं। तो साथियों इसमें छोटे छोटे ग्रुप्स में यदि एक दूसरे से संवाद करते हुए सीखने का अवसर देंगे तो सीखना जल्दी होगा। तो ये गोल घेरे वाला कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पर ला सकते हैं। प्रत्येक बच्चे पे हमको यहाँ पर ध्यान देना होगा, हर बच्चे की प्रगति को देखनी होगी, उसको ट्रैक करना होगा। और साथियों जैसा कि शिवरे सर ने बताया कि बहुत सारे टीचर्स हैं, रिसोर्सेस हैं, उनका इस्तेमाल, शिक्षा सारथी सबका इस्तेमाल यदि हम करते हैं तो टीम टीचिंग एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जिससे हम एक क्लास में एक बार पढ़ाते समय एक साथ 2-3 टीचर्स वहां पर बच्चों को सहयोग कर सकते हैं। एक पढ़ा रहे हैं तो दूसरा बच्चों को एक्टिविटी करने में सहयोग कर रहे हैं, तो टीम टीचिंग भी मोहल्ला क्लासेस में बहुत अच्छे से हो सकता है। दूसरा, एक ब्लेंडेड अप्रोच, मतलब केवल एक तरीके से पढ़ाने के बदले यदि आप कुछ ऑनलाइन तरीके से पढ़ाएं और कुछ ऑफलाइन पढ़ाएं, दोनों तरीके का इस्तेमाल करें, कुछ ऑडियो वीडियो पढ़ाएं, कुछ फेस टू फेस पढ़ाएं, तो ब्लेंडेड अप्रोच का इस्तेमाल करें तो अच्छा होगा। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी लेवल पे बहुत सफलतापूर्वक फ्लिप क्लासरूम को इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लिप क्लासरूम का मतलब होता है कि आप कल जो पढ़ाने वाले हैं बच्चों को आज बता दें और उनको ये बता दें कि ये चीजें आप पढ़ कर आए। इस लेवल पे वो खुद पढ़ सकते हैं, पढ़ के आने के बाद जब आप क्लास ले रहे हैं तो उनसे उनके शंकाओं को समाधान करने के बारे में आप सेशन लेके कम समय में ज्यादा अच्छी चीजें बता सकते हैं। और फ्लिप क्लासरूम काफी सफल मॉडल है, जिसमें बच्चे अपने सीखने के लिए खुद जिम्मेदारी लेकर घर में रहकर सीखने का प्रयास करता है और तैयारी के साथ आपकी क्लास अटेंड करता है। उसके बाद साथियों जैसा कि लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है कि आगे थर्ड वेव आएगा और इसमें दिक्कत हो सकती है, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जहां जहां पर केबल टीवी की सुविधा है अभी से, क्योंकि आने के बाद फिर दिक्कत होगी, अभी से एक टीम यदि आप अपने लोकल लेवल पे तैयार कर लें, केबल टीवी वालों से एक चैनल सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध कर लें, और उसके माध्यम से आप यदि कुछ अच्छे टीचर्स को आइडेंटिफाई करके क्लासेस लगाना शुरू करें तो इसमें संक्रमण का डर नहीं रहेगा। जो टीवी घर में है उसमें देखकर 9th से लेकर 12th तक यदि 4 चैनल यदि आप दे देते हैं या टाइम बांट लेते हैं स्लॉट,
तो उसके हिसाब से अभी से ये तैयारी हो सकती है ताकि कल को यदि मोहल्ला क्लास बंद करना पड़े मजबूरी में तो हम एक अल्टरनेटिव व्यवस्था के साथ हम आपके सामने पहले से तैयार रह सके। तो हायर सेकेंडरी लेवल पे ऑनलाइन क्लास केबल टीवी क्लास को चलते रहना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर उसको कंटिन्यू किया जा सके। इसके अलावा टीचिंग मेथड्स में लगातार कुछ ना कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स देते रहना चाहिए ताकि उसको करते करते बच्चे सीख सकें। अब लास्ट आते हैं कि मोहल्ला क्लास में आपने प्लान कर लिया, सारा कुछ कर लिया और उसके बाद बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं इसको देखें, तो सीखने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके यदि आप असेसमेंट करेंगे तो आसानी से होगा। परीक्षा को बोझ के रूप में नहीं लेना है, बेसिक्स आपको मजबूत रखना है। बिना पुरानी चीजें बताए यदि आगे निकाल लेंगे आप नो डिटेंशन टाइप का तो फिर आगे आपको दिक्कत होगी, भय और ये सब चीजें, क्योंकि किशोरावस्था में अपना जो सेल्फ एस्टीम बहुत होता है तो वहां पर उनको इस तरह से वो सब नहीं नीचा नहीं दिखाना चाहिए। उसके अलावा सीखने का आनंद, जॉयफुल लर्निंग के साथ मोहल्ला क्लासेस को पढ़ाएंगे तो आपका अटेंडेंस बहुत अच्छा होगा। अपने बच्चों की उपलब्धि के लिए निरंतर हमको प्रयास करते रहना है, अभी जो स्थिति है उससे और थोड़ा सा मेहनत करके उससे ऊपर हमको ले जाने का प्रयास करना है और बच्चे जो सीख रहे हैं उसकी प्रगति को समय समय पर हमको समुदाय से भी शेयर करना चाहिए ताकि उनको मालूम रहे कि मोहल्ला क्लास में भेजने के बाद हमारी जो स्थिति है, बच्चों की स्थिति वो सुधर रही है, तो वो और नियमित रूप से भेजने के लिए इसमें प्रयास करेंगे। तो ये साथियों कुछ चीजें थी जो मोहल्ला क्लास जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी लेवल पे यदि एक शाला संकुल प्राचार्य चालू करना है, यदि मैं गलती से लगा रहा हूँ, यदि नहीं लगाना है हमको कराना ही है क्योंकि जो विकल्प है हमारा जो सिखाने का, सभी साथियों सभी शिक्षकों को स्कूल तो आना ही है तो स्कूल में बैठकर क्या करेंगे। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि स्कूल में बैठकर अपने जो बच्चे हैं बच्चों के आगे के लिए सोचें, उनके सीखने के लिए सोचें और विकल्प को इस प्रकार से माने कि हमारे पास बहुत सारे नवाचार हैं, बहुत सारे नवाचारी तरीके हैं, आपको जो भी नवाचार अच्छा लग रहा है उसको विकल्प के रूप में आप ले और बच्चों को जो सीखने की गाड़ी है उसको ऐसे ही चलाते रहें और आपका सहयोग यूं ही मिलता रहे तो जो पढ़ाई तुहर द्वार का जो दूसरा साल है उसमें छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा करके दिखा सकेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे डॉक्टर एम सुधीश, असिस्टेंट डायरेक्टर समग्र शिक्षा अभियान, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से और आपको वर्तमान चित्र के माध्यम से, सारे फोटोग्राफ सभी इसी कोरोना काल के हैं जब आप लोगों ने अलग अलग प्रयोग किए हैं और अपने छत्तीसगढ़ के ही सारे फोटोग्राफ्स हैं जिसके माध्यम से उन्होंने कैसे बच्चे सीखें, क्या उनके पास अनुभव है और क्या हमें करना है, क्या बेहतर तरीके से कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चे पर हमें ध्यान देना है, इस बात पर बहुत फोकस है। मैं अब जैसा कि शुरू में हमारे जो एडिशनल डायरेक्टर हैं
डॉक्टर योगेश शिवरे सर ने भी कहा कि हमें इस बार पिछले साल की जो दक्षता है उसे पहले सीखना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। तो इसके लिए सेतु अभियान के तहत सेतु पाठ्यक्रम बनाया गया है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विद्या चंद्राकर मैडम को, वे आएं और सेतु अभियान के बारे में हमें बताएं कि किस प्रकार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर विद्या चंद्राकर। धन्यवाद पांडे जी। सेतु अभियान या सेतु पाठ्यक्रम आप सभी के लिए नया नहीं है, लगभग सभी परिचित हो चुके हैं और इसकी सार्थकता भी आप सभी को ज्ञात है। साथियों, आप सभी ने यानी हमारे जो शिक्षक बंधु हैं वे सभी पिछले वर्ष और इस वर्ष की विषम परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हुए बच्चों के साथ जुड़ते रहे और लगातार सीखने सिखाने पर बल देते रहे। इस सीखने सिखाने में आपकी पढ़ाई तुम्हारे द्वार के अंतर्गत, चाहे वो मोहल्ला क्लास हो, चाहे वो ब्लूटूथ के बोल हो, चाहे वो लाउड स्पीकर क्लास हो या कुछ भी है, यानी सभी नवाचारी प्रविधियों या गतिविधियों के माध्यम से आपने प्रयास निरंतर किया है जो तारीफ़ काबिल है। लेकिन हुआ यह है कि कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि एक जो सीधी क्लासरूम में अध्ययन अध्यापन होता है और बाहर, तो दोनों में कहीं ना कहीं अंतर होता है क्योंकि सीधे शिक्षण का विकल्प नहीं है, इसलिए बच्चों के सीखने के स्तर में भी कुछ न कुछ अंतर आया है जो अनुभवजन्य है। आपने भी महसूस किया और हमने भी महसूस किया, इस अंतर को यानी सीखने की गति जो कम हो गई है उस गति को हम कैसे फिर से उसी जगह पर स्थिर करें, ये हमारी चिंता थी और इसीलिए ये जो सेतु पाठ्यक्रम है वो डिज़ाइन किया गया। जैसा कि नाम ही है सेतु और सेतु का आशय आप सभी जानते हैं, सेतु का मतलब होता है पुल, तो हम ऐसे कौन से पुल का निर्माण करें जिसमें हमारे बच्चे जो पूर्व ज्ञान है उसको और वर्तमान ज्ञान को जोड़ सके। जैसे अभी बच्चा पिछले साल मान लीजिए कक्षा तीसरी में रहा हो तो अध्ययन अध्यापन में कहीं न कहीं उनके सीखने की गति में अंतर तो आ गई है और इस अंतर के कारण से ही उसको जितना आना चाहिए वो नहीं सीख पाया है, इसीलिए वर्तमान कक्षा में उसकी सीखने की गति जो है वो न्यून होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए न्यून हो जाएगी क्योंकि उसे पूर्व ज्ञान नहीं है, उस पूर्व ज्ञान को हम कैसे जोड़ें, इसी के लिए परिश्रम किया गया परिषद के द्वारा और बनाया गया सेतु पाठ्यक्रम। इस सेतु पाठ्यक्रम को बनाने के पहले हमने पुराने कक्षा की यानी माल जाए हमने दूसरी के लिए बनाया। आपको ये भी पता है कि कक्षा दूसरी से लेकर के कक्षा आठवीं तक के बच्चों के लिए है, क्योंकि पूर्व ज्ञान जो है कक्षा दूसरी का बच्चा कक्षा पहली में कितना सीख चुका था यही हम देख पाएंगे। कक्षा पहली के लिए नहीं है लेकिन वो जो वातावरण से सीखता है उसे आप देख सकते हैं। तो दूसरी से लेकर आठवीं तक के लिए बनाया गया है और इस सिलेबस को पूरे आपको एक महीने के अंदर यानी 30 दिवसीय है, इस 30 दिवसीय कार्यक्रम को आपको पूर्ण करना है क्योंकि आपका जो बेसलाइन सर्वे जो है वो इसी के आधार पर होनी है, इसलिए आपको पूरा इसको बताना पड़ेगा। इससे ये होगा कि अगर इस पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं यानी कि कक्षा चौथी में यदि बच्चा है तो कक्षा तीसरी के मुख्य मुख्य बिंदु कौन से हो सकते हैं जिसको जानने के बाद ही वो चौथी कक्षा के विषय वस्तु को समझ पाएगा, इसका अध्ययन हम लोगों ने किया और ऐसा लगा कि कक्षा तीसरी के पाठ्यक्रम में जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसको जानना बच्चे के लिए बेहद आवश्यक है। तो उन लर्निंग आउटकम्स को हम लोगों ने चयन किया और चयन करने के बाद किन किन पाठों में वो लर्निंग आउटकम्स दिख रहा है, उन पाठों को किस तरह से पढ़ाएंगे, उसके बारे में सभी विषयों को लेकर के यानी कक्षा दूसरी से लेकर के कक्षा आठवीं तक सभी विषयों को लेकर के सभी विषय विशेषज्ञों के द्वारा बहुत मेहनत की गई है और उस पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है। एक एक बिंदु को वहां पर बता दिया गया है कि आप कौन कौन से पाठ को पढ़ाएंगे, यानी कक्षा तीसरी के पूरे पाठ आप नहीं पढ़ाएंगे कक्षा चौथी वाले को, महत्वपूर्ण पाठ है जो दिए गए हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब चर्चा चल रही थी तो कहा गया था कि हमको कुछ पाठ को कम करनी चाहिए, सिलेबस हमारे कम होनी चाहिए, तो सिलेबस को कम हम करें ना करें या किस तरह से होगा वो बाद वाली बात होती है कि हम ये देख लेते हैं कि पुराने कक्षा यानी पिछली कक्षा में उसको कितना कुछ जानना चाहिए, उस चीज को हम लोगों ने चिन्हांकित किया और बना दिया है।
साथियों इसमें ये जरूर होगा कि पिछली कक्षा के जो पाठ विषय है उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को यदि बच्चा जान लेता है एक महीने के अंदर में, तो ये मानकर के चलिए कि उसको वर्तमान कक्षा की बातों को या पाठ्य वस्तु को सीखने में बेहद आसानी होगी। इस सिलेबस के माध्यम से हम लोगों ने ये बता दिया है कि वो कौन सा लर्निंग आउटकम्स है, वह लर्निंग आउटकम्स पिछली कक्षा के किस पाठ में वो लर्निंग आउटकम्स आपको मिल सकता है, उस लर्निंग आउटकम्स को पाने के लिए आप उस पाठ के किस बिंदु को आप पढ़ाएंगे और उस बिंदु को किस तरह से आप पढ़ा सकते हैं, ये गतिविधि भी देने का हम लोगों ने प्रयास यहाँ पर किया हुआ है। तो सेतु पाठ्यक्रम का अध्ययन अध्यापन यदि बहुत सही तरीके से होता है, सही तरीके का आशय ये है कि बहुत संजीदगी से यदि आप करते हैं तो निसंदेह बच्चों को सीखने सिखाने में बहुत ज्यादा यानी फायदा जो है वो होगा और आपके लिए भी होगा, क्योंकि पिछली कक्षा जो है निसंदेह आगे की कक्षा से जाकर के जुड़ता है। तो पिछली कक्षा को आगे कक्षा में जोड़ देने के लिए उसके पूर्व ज्ञान को अगर हम लेते हैं तो बच्चे को भी सीखने में बड़ी रुचि होती है और उसका स्तर निसंदेह आगे बढ़ेगा। तो इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए इस सेतु पाठ्यक्रम को बनाया गया है और इस पर लगातार हम लोगों ने शिक्षकों से बात की है और ये बता दिया गया है कि किस तरह से इस सिलेबस को वो पूरा करेंगे। साथियों मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए जो आप लोगों को टाइम टेबल भी दिए गए थे और उसके आधार पर हमने बताया था, लेकिन यह आपके स्वेच्छा पर भी निर्भर करता है कि आप किस तरह से उस पाठ को आगे लेके जाएंगे। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कहना चाहिए कि जब तक आप पिछले पाठ के संदर्भित या संबंधित पाठों को यदि बच्चों के साथ में चर्चा नहीं करते हैं या बच्चों के पूर्व ज्ञान को आप उकेरते नहीं हैं तो उस स्थिति में उनका ज्ञान वहीं का वहीं रह जाएगा, कोरा रह जाएगा और फिर वो आगे इस तरह से पढ़ेंगे क्लास में कि बिल्कुल वो अनजान हैं। और बिल्कुल अनजान है का मतलब ये होगा कि उनके लिए एकदम पाठ्य विषय नया हो जाएगा और वो सचेत नहीं हो पाएंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और निसंदेह उनका जो उनकी जो मानसिकता है उससे जुड़ने की नहीं बनेगी और वो उससे हकीकत में जुड़ नहीं पाएंगे। तो सेतु पाठ्यक्रम जो परिषद द्वारा बनाया गया है, इस पाठ्यक्रम के लिए आप सभी से हम सभी यहाँ पर केवल आग्रह कर सकते हैं कि आप कैसे और क्यों उससे जुड़े करके निसंदेह इससे लाभ होगा और कैसे जुड़ना है ये आप सभी को बता दिया गया है। साथियों तो आप गली मोहल्ला क्लास पढ़ाई तुहर द्वार के माध्यम से आप इस काम को कर ही रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों को इसमें जुड़ने की जरूरत है, मतलब अधिक से अधिक लोगों को जुड़ने का मतलब ये हुआ कि यदि बच्चे इससे नहीं जुड़ पाएंगे तो मुश्किल तो होगी, ये आपके लिए बता रहे हैं और ये आपके लिए होगा क्योंकि असेसमेंट इस पर आधारित है। असेसमेंट को पूरा करने के लिए यानी मिडलाइन में उनको जाने के लिए इस सेतु का ज्ञान जो है बहुत आवश्यक हो जाएगा। तो चिन्हित पाठ्यक्रम को पूरा करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आपके लिए दायित्वपूर्ण ड्यूटी है साथियों। तो उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, उनके ज्ञान में इजाफा करने के लिए, उनकी दक्षता और कुशलता को कामयाब करने के लिए पाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम से आप सभी जुड़ेंगे। बस मैं इतना ही आप सभी से कहना चाहती हूं और इससे बच्चे निश्चित लाभान्वित होंगे और बच्चों के साथ साथ आप शिक्षक बंधु जो होंगे कहना चाहिए, मतलब जो शिक्षा बंधु इसमें काम करेंगे उन्हें भी उस लर्निंग आउटकम्स को कैसे पकड़ना है, कौन से गतिविधि के माध्यम से, यह भी उनको एक तरीका मिलेगा। तो पुनः आग्रह के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी डॉक्टर विद्या चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि सेतु अभियान के तहत इस बार जो SCERT ने सेतु पाठ्यक्रम बनाया था पिछले क्लास की दक्षता को अर्जित करने के लिए, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी है। समय बहुत कम है इसलिए हमने काफ़ी संक्षेप में कर रखा है। आपको बता दें अभी आपको एडिशनल डायरेक्टर सर ने बताया है कि इस पर और पहले तो इस पर वेबिनार हो चुका है। अब हम चलते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा। पिछली बार हम लोगों ने, हमारे लिए नया था ये दौर सीखने का, लेकिन इस बार ज़्यादा फोकस हो रहा है कि बच्चे ने आखिर सीखा क्या। सेतु प्रवेशिका सेतु पाठ्यक्रम आपने क्या पढ़ाया, किस प्रकार उसे सिखाया, उसने कौन सी दक्षताएं हासिल की, इसके लिए हम नियमित रूप से उस बच्चे का आकलन करेंगे और आकलन कैसे करेंगे ये बताएंगे आपको SCERT की मैडम विद्या डांगे। धन्यवाद पांडे सर। साथियों सभी को नमस्कार। साथियों आप
तो आकलन की प्रक्रिया से भलीभांति परिचित ही है, परंतु इस कोरोना काल के कारण आकलन में कुछ आंशिक परिवर्तन किया गया है। जैसे कि आपको विदित है कि एक लंबे समय के अंतराल के बाद पुनः हमारी कक्षाएं जो हैं वो संचालित हो रही हैं, यद्यपि ये कक्षाएं जो हैं वो विद्यालय में संचालित न होकर पारा मोहल्ला में संचालित हो रही है, परंतु अध्ययन अध्यापन का कार्य जो है, जो भी शैक्षणिक प्रक्रियाएं हैं जैसे कि हमारे विद्यालयों में होती हैं, सेम वही प्रक्रियाएं हमारे पारा मोहल्ले में भी होंगी। यानी नियमित रूप से अध्ययन अध्यापन का काम होगा, बच्चों की नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाएगा, सतत मॉनिटरिंग की जाएगी, सीखने सिखाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का भी उपयोग किया जाएगा। तो इन सभी विधियों के पश्चात हमें ये देखना है कि वाकई में हमारा बच्चा कितना सीख पा रहा है, यह सीखने या जानने के लिए, या उनकी इसमें लर्निंग गैप कहाँ पर है यह जानने के लिए हमें आकलन करना है। यद्यपि कक्षा प्रक्रिया के साथ नियमित आकलन तो हमें करना ही है, परंतु एक निश्चित अंतराल के बाद भी हमें आकलन करना है। तो जो आकलन होगा इस समय, जो हमारे चेंज किए गए, जो हमारी विशेषताएँ हैं, जो हमारे आकलन की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है कि इस सत्र में 2021-22 में जो आकलन किया जाएगा, उसको दिखा दो थोड़ा सा, जो आकलन किया जाएगा वो सभी कक्षा के बच्चों का किया जाएगा, 1 से 8 तक के जितने भी बच्चे हैं उन सबका आकलन किया जाएगा। आकलन जो होगा विषयवार किया जाएगा और कक्षावार आकलन किया जाएगा, जैसे कि आप हमेशा करते हैं कक्षावार विषयवार आकलन, सेम वही आकलन आपको मोहल्ला आधारित जो कक्षाएं, जो मोहल्ला आधारित जो कक्षाएं संचालित होगी उसमें भी करना है। आकलन पूरे सत्र में 3 बार होगा। ये आकलन वो होगा जिसमें कि हमें रिकॉर्ड किया जाएगा, बच्चों ने कौन से स्तर का है ये रिकॉर्ड करना होगा। तो ये 3 आकलन होगा, पहला होगा बेस लाइन आकलन, दूसरा होगा मिड लाइन आकलन और तीसरा होगा एंड लाइन आकलन। अब हमें फॉर्मेटिव आकलन, समेटिव आकलन के स्थान पर ये 3 प्रकार के आकलन किए जाएंगे। फिर से बताना चाहूंगी, बेस लाइन आकलन, दूसरा होगा मिड लाइन आकलन और तीसरा होगा आपका एंड लाइन आकलन। बेस लाइन आकलन जो होगा वह अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा, मिड लाइन आकलन जो होगा दिसंबर माह में किया जाएगा और एंड लाइन आकलन जो होगा मार्च के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा। तो इस तरह से पूरे सत्र में हमें 3 प्रकार के आकलन होंगे। बेस लाइन आकलन कक्षावार विषयवार निर्मित सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। जैसे कि अभी मैडम ने कहा सेतु पाठ्यक्रम संचालित है, तो हमारा जो आकलन होगा वह सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, जिसकी जो अवधि है 30 दिनों में हमें कंप्लीट करना है और 30 दिनों के अवधि के पश्चात हमें आकलन होगा। ये जो आकलन होगा वह बेस लाइन आकलन कहलाएगा। मिड लाइन आकलन और जो एंड लाइन आकलन होगा वह पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, यानी नियमित रूप से जो हमारे अध्यापन का कार्य किया जाता है उसके आधार पर होगा। यानी मिड लाइन आकलन होगा 60% पाठ्यक्रम का जो 60% भाग है उस पर किया जाएगा और जो एंड लाइन है वो शेष 40% प्रतिशत भाग से लेना होगा। यानी हमारे किताब में मान लो अगर 10 पार्ट है तो 6 पार्ट पे हमारा मिड लाइन आएगा और जो बाकी के जो शेष पार्ट होंगे 4 पार्ट उस पर हमें एंड लाइन लेना होगा। पूरे शैक्षणिक सत्र में कुल 100 अंकों का आकलन होगा। पहले से दिखाना ना, कक्षा 3री से 8वीं तक बेस लाइन आकलन जो होगा, नहीं और आगे बढ़ाते जाए, और आगे बढ़ाए, और आगे, हाँ यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर दो, हाँ पहले वाला। कक्षा 3री से 8वीं तक का जो बेस लाइन आकलन होगा, मैंने पहले ही बताया कि पूरा तीनों जो आकलन होगा वो कुल मिलाकर 100 अंकों का होगा, जिसमें कि हमने अलग अलग आकलन में अंकों का निर्धारण किया गया है। तो बेस लाइन आकलन होगा वो 30 अंकों का होगा, मिड लाइन आकलन 40 अंकों का होगा एवं एंड लाइन आकलन जो होगा वह 30 अंकों का होगा। तो इस तरह से 100 अंकों को हमने ये तीनों आकलन में विभाजित किया है। प्रश्न पत्र पूर्ण तरह से लर्निंग आउटकम्स आधारित होंगे। हमारी जो भी अध्यापन कार्य, जो भी गतिविधियां हैं उसके सेंटर में हमारा लर्निंग आउटकम्स ही है और हमारी जो परीक्षाएं होंगी, जो आकलन होगा वह भी लर्निंग आउटकम्स पर आधारित होगा। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वह लर्निंग आउटकम्स से टैग होगा। आगे कम आकलन हेतु जो पेपर है, प्रश्न पत्र है, वो परिषद द्वारा तैयार किया जाएगा और जिसके आधार पर शिक्षक स्वयं भी प्रश्न पत्र बना सकते हैं, चाहे तो वो उसी प्रश्न पत्र को भी ले सकते हैं। कक्षा एक में, अब आपके पास ये भी प्रश्न हो सकता है कि अगर बेस लाइन पर पहला जो आकलन होगा वो बेस लाइन आकलन होगा तो कक्षा पहली का आकलन कैसे लिया जाए।
तो कक्षा पहली के बच्चों का जो आकलन है, बेसलाइन आकलन जो होगा, वह उनके पूर्व ज्ञान पर, यानी बच्चा जैसे हमारे पास स्कूल में आता है उसके पास जो भी ज्ञान होगा, कविता, कहानी, गतिविधि, चित्र बनाना या बातचीत करना, इसके आधार पर अभिनय करना, इसके आधार पर कक्षा वन के बच्चों का बेसलाइन आकलन किया जाएगा। शेष कक्षाओं का, दूसरी से लेकर आठवीं तक के कक्षाओं का आकलन जो होगा वह सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। आकलन के उपरांत जो उत्तर पुस्तिकाएं होंगी या बच्चों के द्वारा जो कार्य होंगे उसे पूरी तरह से संधारित करना होगा। वो इसलिए संधारित करना होगा कि समय समय पर जो CAC है, BRC है, DO है या राज्य स्तरीय अधिकारी द्वारा अवलोकन किया जाएगा और इसके साथ ही साथ आकलन की सत्यता की जांच भी करेंगे तथा आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन भी देंगे। तो महत्वपूर्ण जो बात है आकलन में वो ये है कि उत्तर पुस्तिकाओं के बच्चों की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं आकलन के पश्चात उन्हें अच्छी तरह से सुरक्षित आपको रखना होगा और मांगे जाने पर उनको दिखाया जाना होगा। प्रत्येक बच्चे का सही सही आकलन करना ये आप सबका दायित्व होगा। यदि किसी तरह से बच्चों का आकलन अगर गलत होता है या गलत किया जाता है तो उसके लिए शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होगा। तथा कोशिश होगी कि हर बच्चे का सही सही आपको आकलन करना होगा। एक और महत्वपूर्ण जो बात है जिसमें सबसे बदलाव जो आया है वो है कि इस आकलन में न सिर्फ बच्चों का ग्रेड का पता किया जाएगा बल्कि ये भी देखा जाएगा कि बच्चा जो है सीखने के किस स्तर पर है। अभी तक हम सिर्फ बच्चों को ABCD जो भी ग्रेड होता था उन्हें ही दे दिया जाता था, परंतु इस समय अगर बच्चा ई ग्रेड में आता है तो ई ग्रेड के पर हमें ये पता करना है कि वाकई में उसका सीखने का स्तर कौन सा है, कौन सी कक्षा का है, क्या छठवीं का है, क्या पांचवी का है या फिर पहली दूसरी का है। तो इसको जानने के लिए यह करना होगा कि जब भी हमारी परीक्षाएं होंगी उसके उत्तर पुस्तिकाओं के जांच के पश्चात यदि किसी बच्चे को ई ग्रेड मिलता है तो ई ग्रेड मिलने के पश्चात शिक्षक चाहे तो उसे निचली कक्षाओं का प्रश्न पत्र दे सकता है या अपने अनुभव के आधार पर यदि उसने मान लो कक्षा सातवीं में हिंदी का प्रश्न पत्र में उस बच्चे को ई ग्रेड मिला है तो शिक्षक उसके उत्तर पुस्तिकाओं के जांच करने के पश्चात यह डिसाइड कर सकता है कि वाकई में बच्चे के सीखने का स्तर क्या है, क्या उसे वाक्य संरचना आ रही है या उसे लिखना आ रहा है या उसे क्रमबद्ध लिखना आ रहा है नहीं आ रहा है। इसके आधार पर शिक्षक स्वयं डिसाइड कर सकता है कि उसका स्तर कौन सी कक्षा का है। यदि उसका स्तर थोड़ी बहुत अवधारणाओं की समझ है तो वह कक्षा छठवीं का पेपर दे सकता है या फिर स्वयं विवेक से कक्षा तीसरी या पांचवीं जो भी उसे शिक्षक को लगता है कि बच्चा इस स्तर का है उस स्तर का उसे पेपर दिया जाएगा। यदि उस प्रश्न पत्र पर यदि बच्चे को ई ग्रेड से ऊपर का ग्रेड मिलता है तो उसे उस कक्षा का माना जाएगा। यदि मान लो उसे ई ग्रेड मिलता है अगर पांचवी अगर सातवीं के बच्चे को हिंदी का हमने पांचवी कक्षा का पेपर दिया है यदि उसे ई ग्रेड मिलता है तो उसे पुनः नीचे के स्तर पर जाना होगा। तो इस तरह से लगातार प्रश्न पत्र देकर यह ज्ञात किया जाएगा कि बच्चे के सीखने का कौन सा स्तर है और उस स्तर पर लाकर बच्चे के साथ उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा और उपचारात्मक शिक्षक देते हुए उसे उस कक्षा स्तर तक पहुंचाया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खास बात है कि बच्चों का अगर ई ग्रेड मिलता है तो उसे ये देखना है कि वह किस लायक है, किस कक्षा के स्तर का है, ये हमें जांच करना होगा। तो इस पर वैसे तो इस चर्चा एक बार और होगी, आकलन पर एक विशेष वेबिनार आयोजित किया जाएगा, परंतु आपके जानकारी के लिए इतना ही है कि तीन आकलन होंगे, बेसलाइन, मिडलाइन और एंडलाइन। 100 अंकों का होगा। बेसलाइन आकलन जो होगा वो सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। प्रश्न पत्र जो होंगे परिषद द्वारा बनाए जाएंगे, चाहे तो आप उसे स्वयं ले सकते हैं या तो आप भी बना सकते हैं। परंतु एक और महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर पुस्तिकाओं का संधारण जो है वो आपको अच्छे से करना है ताकि समय समय पर अधिकारियों के द्वारा अवलोकन करने हेतु मांगे जाने पर आपको दिखाया जाना होगा। तो मुझे लगता है इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। तो धन्यवाद सभी साथियों को। ये थी श्रीमती विद्या डांगे मैडम, जिन्होंने आपको आकलन के संबंध में बताया कि पहले हमको किस प्रकार सेतु पाठ्यक्रम में जो पढ़ाए जाने वाले विषय हैं उसका भी आकलन करना होगा और इस साल का की दक्षता जो हमको लानी है उस पर भी आकलन होगा, तभी हमें पता चल पाएगा कि बच्चे कितना सीख रहे हैं और तभी हमारा भी आकलन होगा कि हमने इस वर्ष कितनी मेहनत की है। मित्रों मैं आपको बता दूँ कि इस बार CGSchool.in पोर्टल में
ये सेतु पाठ्यक्रम पूरा का पूरा आपको पहले पेज में ही देखने को मिल जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो आप सेतु पाठ्यक्रम देख सकते हैं। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भी भेजा गया है और उनसे नीचे विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से बीओ बीआरसी के माध्यम से आप इसे संकुलों तक प्राप्त कर सकते हैं और ये हम स्कूलों तक अपने मोहल्ला कक्षा तक इसे ले सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। मैं हमारे एनआईसी के अजय जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया दिखा दें कि ये हमारे cgschool.in जो पोर्टल है वहाँ पर ये ब्रिज कोर्स कहाँ पर दिखाई दे रहा है ये बता दें। मैं इसी के साथ ये देखिए सेतु अभियान के नाम से है, उसमें फोटो भी है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ ये लिखा हुआ है और बाकायदे ये आपको इसको क्लिक करने पर इसमें आप खोलकर देख सकते हैं कि और इसे अपलोड भी कर सकते हैं, सीधे आप अपलोड कर दें जो सॉरी डाउनलोड आप इसको करेंगे और अपना सीधे प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि अभी विद्या डांगे मैडम ने आपको तीनों आकलन के बारे में बताया है, सारी चीज़ें इसमें काफ़ी मेहनत कम समय में लेकिन अच्छे से बनाया गया है, विधि अपने विषय विशेषज्ञों के साथ सभी विषयों के इसमें आप प्राप्त कर लेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि हमको इस पूरे पढ़ई तुम्हार द्वार जिसमें आपको याद होगा जब इसका आगाज हुआ था माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा तो उन्होंने कहा था कि मोहल्ला क्लास में जाके पढ़वो तभे छत्तीसगढ़ गढ़वो, यानी मोहल्ला क्लास में जाके पढ़ो और नवा छत्तीसगढ़ गढ़ो। इस सूत्र वाक्य के साथ हमें इस अभियान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है। हमारे प्रमुख सचिव महोदय, हमारे सचिव महोदय और डायरेक्टर सर का ये कहना है कि हम नियमित रूप से जो भी गतिविधियां कर रहे हैं मैं इस वेबिनार के माध्यम से जब सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, सभी प्रिंसिपल डाइट्स और सभी अधिकारियों से और ख़ास तौर पे हमारे जो ज़िले के मीडिया प्रभारी हैं, जो ब्लॉक के मीडिया प्रभारी हैं, उनको उनसे अनुरोध करूँगा कि हम इसे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आज की वेबिनार को भी और लगातार जो गतिविधियाँ हमारे हो रही हैं उसे नियमित रूप से आप सभी समाचार पत्रों में, सभी मीडिया में आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्रसारित प्रकाशित करवाएं ताकि इसका एक वातावरण बने और पढ़ने का भी एक वातावरण बने। हमारे बीच में इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, एक आध दो जो हमारे शैक्षिक समन्वयक हैं यदि कोई इसमें आने चाहें, बोलना चाहें, कोई शैक्षिक समन्वयक हमारे बस्तर संभाग के कोई हैं क्या? बलरामपुर के सबसे कॉर्नर वाले बलरामपुर से कोई शैक्षिक समन्वयक हैं जो दो मिनट में, केवल दो मिनट में कि आज का जो वेबिनार है इस पे आप चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं, हमारे जो संकुल समन्वयक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, वो ही संवाहक होते हैं, वही स्कूल तक पहुंचते हैं और अब तो उनकी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई इस अभियान में जबकि उन्हें मोहल्ला क्लास का संचालन करना है। तो एक दो ही हम संकुल, चूँकि समय आज कुछ ज़्यादा हो गया है, हमारे तय समय से हम ज़्यादा हमारा समय हो चुका है, तो मैं चाहूँगा कि एक आध कोई हो तो बताएं, तो अनम्यूट कर दें वहाँ पर। बलरामपुर से कोई है? मुकेश भाई पटेल, हमारे पास एक नाम आया है, मुकेश भाई पटेल हैं बलरामपुर। सर दुर्ग से हरीश देवांगन। अच्छा चलिए पहले जो दुर्ग से बोल दें, हरीश देवांगन जी, हरीश देवांगन है ना? जी सर जी, जी नमस्कार सर, नमस्कार। मैं हरीश देवांगन, संकुल समाज वगैरह, विकासखंड दुर्ग, जिला दुर्ग। सर अभी मेरे इस संकुल क्षेत्र पर 19 मोहल्ला क्लास का संचालन किया जा रहा है। लगभग 43 शिक्षक गण इस मोहल्ला क्लास में शामिल हैं और लगभग 950 बच्चे इस मोहल्ला क्लास का लाभ ले रहे हैं। हमारे इस मोहल्ला क्लास में प्रारंभ के पूर्व हमारे दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी महोदय बघेल सर के द्वारा 2 मीटर बिहेवियर पर कार्य करने के लिए बताया गया है। इसमें प्रथम कोरोना के संबंध में जानकारी दिया जाता है और दूसरा पर्यावरण संरक्षण हेतु जो वृक्षारोपण किया गया है इस संबंध में जो है जानकारी दी गई है। साथ ही मोहल्ला क्लास में अभी तक तो पूर्व में अमर एड योजना पर कार्य किया गया था किंतु अभी वर्तमान में सेतु पाठ्यक्रम का कोर्स कराया जा रहा है और जो बच्चे जो पूर्व में जो थे
जो पूर्व ज्ञान से लाभान्वित लेकर अभी सेतु पाठ्यक्रम पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर स्थानीय समुदाय का एसएमसी एसएमडीसी एवं पालकगण और शिक्षा साथियों की अच्छी भूमिका है। साथ ही सर चलिए बहुत अच्छी बात आपने हरीश देवांगन जी ने कही। अब कोई हमारे बस्तर संभाग से कोई प्रतिभागी है क्या? बस्तर संभाग से कैसा कर रहे हैं? केवल दो मिनट में बताएं सर, समय सीमा है, केवल दो मिनट। सर नमस्ते, मैं अमित अवस्थी बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। हेलो जी सर, मेरी आवाज आ रही है? मैं अमित अवस्थी बोल रहा हूँ सर, बस्तर जिला से। बोलिए। विकासखंड लोहंडीगुड़ा संकुल केंद्र चित्रकोट से सर। सर आज का वेबिनार के बारे में बोलना चाहूंगा कि काफी कुछ स्पष्ट तरीके से आज बताया गया है और निश्चित रूप से हमारे संकुल और हमारे शिक्षकों के लिए आज का वेबिनार काफी लाभदायक होगा, जिससे कि वे हम सभी अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। खासकर जैसे सेतु का पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया था, ये अभी आज की हमारी आवश्यकता थी और इसके संबंध में जो विस्तृत चर्चा हुई आज वो निश्चित रूप से हमारे लाभदायक होगी। सर मैं बताना चाहूंगा, हमारे मेरे संकुल में 680 बच्चों में से 450 से अधिक बच्चे जो हैं वो मोहल्ला क्लास का लाभ ले रहे हैं विभिन्न तरीकों से। जैसे कि हम मोहल्ला क्लास कहीं पर हम गांव के किसी सामुदायिक भवन में या किसी सिख मित्र, जो हमारे सिख मित्र हैं, सिख साथी हैं, उनके यहाँ या किसी एसएमसी या पालक के घर के जो बरामदे हैं उसमें, जिसमें से हमारे 28 जो हमारे जो टीचर्स हैं उसमें 28 में सभी टीचर्स जो हैं इस मोहल्ला क्लास संचालन कर रहे हैं और हम ग्रुप में और COVID-19 के पूरे जो नियम है उसका पालन करते हुए कर रहे हैं सर। और सर साथ में एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि हमारे जो बस्तर जैसे क्षेत्र में, क्योंकि स्कूल दूर दूर में है, मतलब कहने का मतलब खुले क्षेत्र जैसे जगह पर है जहाँ पर प्रांगण की भी व्यवस्था है, तो आप सभी से निवेदन है कि क्या हम अपने विद्यालय के प्रांगण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम दूर दूर में और COVID-19 के नियमों का पालन करते हुए बच्चों को मोहल्ला क्लास दे सकें, क्योंकि इससे हम ज्यादा सुविधा दे सकते हैं बच्चों को, जैसे कि टॉयलेट की हो या हाथ धोने की सुविधा हो या विभिन्न अन्य प्रकार की सुविधाएं वो भी प्रदान करने में हमको आसानी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एडिशनल डायरेक्टर सर ये बता रहे हैं क्या आपको कि आप ऐसे प्रांगण का उपयोग कर सकते हैं कोविड नियमों का पालन करते हुए। बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है। अब हम सरगुजा संभाग चलते हैं। सर नमस्ते। सर नमस्ते। सरगुजा संभाग से कोई है? सरगुजा संभाग के किस जिले से बताएं? सर रायपुर शहर से बोल रहे हैं। सरगुजा संभाग पहले बोलिए। हेलो सर। हाँ कौन है? मैं नवाज सिंह बोल रहा हूँ, प्रेम नगर मोहंगाई से, सूरजपुर जिला। हाँ बोलिए। सर हमारे यहाँ पर मोहल्ला क्लास जो है काफी बढ़िया से संचालित है लास्ट ईयर से ही, तो यहाँ पर जैसे कि अवस्थी जी ने बोला ना, तो प्राइमरी मिडिल में कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि हर मोहल्ले में है स्कूल और वहाँ पर मोहल्ले में भी कुछ जगह मिल जाता है, लेकिन हायर सेकेंडरी के लिए हमारे यहाँ दिक्कत ये हो रहा है कि करीब 25-30 गाँव है और वो घुटरा टोली वगैरह में है, वहाँ पर जाकर के पढ़ाना या वहाँ जगह नहीं मिल पाता। तो हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी प्रांगण में सर बहुत सारे शेड बने हुए हैं, जैसे आपका क्या कहना चाहिए मनोरंजन वाला शेड और कोऑपरेटिव बैंक वाले लोगों का जो धान खरीदी वाला सेट, तो क्या हम लोग वहाँ पर लगाने के लिए बोल दें हायर सेकेंडरी वालों को? बाकी स्कूल तो बढ़िया से चल रहा है सर, और अभी हमारे यहाँ लगभग 1200 स्टूडेंट हैं और 52 टीचर हैं, जिसमें से 28 जगह में अच्छे से सर और हायर सेकेंडरी वाले लोग एक दो दिन छोटा मोटा वही कैंपस में ही लगाए थे या अलग दूसरे पंचायत में जाकर के भी लगाए थे, कोशिश कर रहे हैं, वहाँ बच्चे लोग आते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ एक मिनट, बहुत बढ़िया आपका एक बार आपका सुझाव मान लिया गया है। आप समुदाय की सहमति से किसी भी क्षेत्र में कहीं भी किसी भी प्रांगण में
आप कक्षा लगा सकते हैं, मोहल्ला कक्षा के लिए कोई बात नहीं, समुदाय की सहमति जरूरी है। पहले ही आपको प्रेजेंटेशन में सुधीर जी ने भी बताया था कि आप एसएमसी की अपनी वो ले लीजिए, सहमति ले लीजिए, फिर आप कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तभी तो हम छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, पढ़बो कोनो मेर कतको बेर, ध्यान से सुनिए, पढ़बो कोनो मेर कतको बेर, यानी पढ़ना है कहीं भी कभी भी, ये आप इस सिद्धांत का आपको लागू करना है। अब हम चलते हैं, सरगुजा संभाग हो गया, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग के कोई प्रतिभागी हैं तो दो मिनट में अपनी बात करें। बिलासपुर संभाग, हाँ सर, सर मैं नितेश सिंह रावल, बिलासपुर संभाग के ब्लॉक तखतपुर से। आपकी आवाज थोड़ी कम सुनाई दे रही है, थोड़ा तेज बोले और वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है, वीडियो अपना ऑन कर लें, वीडियो ऑन कर लें और अनम्यूट तो आप कर ही चुके हैं, आवाज बढ़ा लें। हाँ सर, मैं नितेश सिंह रावल बिलासपुर संभाग से, संकुल समन्वयक, जो नव गठित संकुल है लिम्हा, वहाँ का मैं संकुल समन्वयक हूँ। सबसे पहले सर एक निवेदन कि जो पारा क्लास बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें नवीन संकुलों को अभी अधिकृत नहीं किया गया है, तो कृपा करके पोर्टल में उनके लिए वो क्षेत्र खोल दिया जाए ताकि नवीन पारा क्लास उसमें गठित की जा सके। सर अभी जो मामला है कि नवाचार को लेकर यदि हम बात करें तो हमारे जिले के डीएमसी सर ओम पांडे सर और एपीसी पेडागोजी सुनीता पांडे मैडम के मार्गदर्शन में एक जो 100 दिन 100 कहानियां कैंपेन चला, उसको हम लोगों ने किस्सा पढ़बो आगू बढ़बो करके एक कैंपेन का नाम दिया। इसमें समुदाय की सहभागिता स्थानीय युवाओं को और पीएलसी को और साथ ही एसएमसी को पूरे तरीके से शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, जिसमें त्रिस्तरीय बात की गई, जिसमें 10-10 विद्यार्थियों का साथी शिक्षण ग्रुप बनाया गया और ये 10-10 विद्यार्थी के साथी शिक्षण ग्रुप में एक लीडर अपने इस पूरे सभी सारी किताबें पढ़ सके इसको वो सुनिश्चित करता है और प्रत्येक दो ऐसे ग्रुप के पीछे एक स्थानीय स्तर पे शिक्षित इच्छुक युवा जो कि शिक्षा साथी के रूप में काम कर रहा है, ऐसे युवा लोगों ने स्वयं से जिम्मेदारी लेकर इस आकलन को आगे बढ़ाया है। इस कार्य को करने का प्रमुख उद्देश्य ये रहा, चूंकि मेरे संकुल में कुल 9 स्कूल 4 स्कूल एकल शिक्षकीय है और एकल शिक्षकीय होने की वजह से और विद्यार्थियों की संख्या औसतन 80 से ऊपर है प्रत्येक शालाओं में, तो हम प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को हम उस तरीके से लागू कर पा रहे हैं। दूसरी जो प्रमुख बात है कि मोहल्ला शाला में इन एकल शिक्षकीय स्कूल में सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए विगत वर्ष हम लोगों ने कैप्टन कूल ग्रुप एक टीचर का कंसोर्टियम बनाया था और इस कंसोर्टियम में अलग अलग विषयों के सक्रिय शिक्षकों को शामिल किया गया था और एक टाइम टेबल निर्धारित किया गया था ताकि सारे शिक्षकों की शिक्षक अपनी क्लास लें और क्लास लेने के लिए बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक बच्चों की इच्छा अनुसार मैं और मेरे साथी कैंपेन बनाया गया था। मैं और मेरे साथी कैंपेन में एक बच्चा जो इच्छुक है जिसके पास मोबाइल वगैरह के सारे संसाधन उपलब्ध हैं वो बच्चा अपने साथ 5 से 7 बच्चों को जोड़कर उस निर्धारित टाइम टेबल पे उन 5 से 7 बच्चों के साथ बैठ के उस क्लास को अटेंड करता था जिसको हम मैं और मेरे साथी के रूप में जानते हैं और इस बार हम इसको इसी तरीके से मोहल्ला क्लास में लागू करना चाह रहे हैं कि मैं और मेरे साथी कैंपेन में यदि कोई शाला सिंगल शिक्षकी है और वहां सारी चीजों की पढ़ाई इकट्ठा होनी है तो ऐसे शिक्षक उस निर्धारित समय पे उस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। नितेश जी जी थैंक यू, बहुत बढ़िया बढ़िया आपका सुझाव था, मैं को कहने ही वाला था, आपने बात कह दी कि पिछले वर्ष तो आपने बहुत अच्छा नवाचारी गतिविधियां की थी जिसकी गूंज राजधानी तक और पूरे छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि नीति आयोग तक पहुंची थी और माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी सराहना की थी। हम ये चाहेंगे हम लोग आज के इस पूरे पैनल के लोग कि इस बार भी कुछ नया हो और हमारी सक्रियता बढ़े और अब हम अंत में रायपुर संभाग की ओर चलेंगे, यहाँ के कोई प्रतिभागी हो तो अंत में अपने अंतिम प्रतिभागी होंगे वो रायपुर संभाग के कोई जिले के कोई संकुल समन्वयक हो तो बताएं, अपनी बात संक्षेप में रखें। रायपुर संभाग है कोई? जी सर नमस्कार सर, मैं मनु शर्मा एपीसी रायपुर बोलना चाहूँ। हाँ जी बोलिए।
सर, रायपुर शहर के बारे में कहना चाहूंगा। इसके पहले जो आए थे कौन बोल रहा था? अरुण शर्मा सर। अभिमन्यु जी बोलिए, अभिमन्यु जी। हाँ, अभिमन्यु जी जिन्होंने अपने बोलना शुरू किया था, अभिमन्यु जी बोलिए। जी सर नमस्कार, मैं अभिमन्यु मिश्रा। वीडियो वीडियो ऑन कीजिए आप अभिमन्यु जी। जी जी सर, आ रही है सर वीडियो? नहीं 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 आ रही अभी तक। चलिए ऐसे बोलिए। हाँ बोलिए जी सर। नमस्कार, मैं अभिमन्यु मिश्रा बिरगांव संकुल रायपुर से बोल रहा हूँ सर। इस आपदा को सर हमको एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल से जो पालक है उनका मुंह भंग हो रहा है, अब वह हमारे सरकारी स्कूल के तरफ देख रहे हैं सर। तो इस समय हमको इस परिस्थिति को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए और जो हमारा मोहल्ला क्लास जो बहुत ही अच्छे से अभी कारगर चल रहा है उसको और व्यवहारिक तरीके से हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें सर हम लोगों ने अभी मीटिंग ली थी, तो उसमें संकुल स्तर पर हम लोग में डिसीजन लिया था कि जो स्कूलों में अब तक हम पाठ्य पुस्तक ब्लैक बोर्ड इत्यादि माध्यम से पढ़ाते थे उसे अब हम क्लास में हम उसको समझिए संक्रियाओं के माध्यम से पढ़ाएंगे और व्यवहारिक तरीके से हम उसको क्या करेंगे पढ़ाएंगे सर। इसमें सर हम ये सोच रहे हैं कि जो बच्चे को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है उस पर उसको जोर दिया जाए। कई बार क्या होता है सर कि बच्चा वो दक्षता पा तो लेता है परंतु व्यवहारिक ज्ञान उसको नहीं हो पाता सर। तो इस बात का हम लोगों ने देखा है, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ सर। जैसे बच्चा मिडिल क्लास में माइनस और माइनस को गुना करता है तो प्लस लिखना समझ तो जाता है, परंतु उसका वास्तव में वो क्यों होता है इसका अर्थ वो कभी समझ नहीं पाता। तो यदि हम मोहल्ला क्लास में इसी प्रकार से व्यवहारिक उसका निदान लेते हुए चले तो ये एकदम कारगर होगा और हम जो सरकारी स्कूलों से लोगों का मुंह भंग हो गया था पुनः हम उसे प्राप्त कर सकेंगे सर। चलिए अभिमन्यु जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है और यही बात आज के वेबिनार में बताया भी गया है। एक दूसरे से सीखना है, प्रोजेक्ट वर्क दिखाना है और कैसे बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। अभी आपने एक अच्छी बात कही कि हमारे जो बच्चे हैं वो निजी स्कूल से सरकारी स्कूल की तरफ आ रहे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ शासन की बहुप्रतीक्षित योजना स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय जिसके कहा गया है उसके लिए एक स्पेशल सेल एससीईआरटी में बना है और राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर जो हैं डिप्टी डायरेक्टर बनाकर यहां पर पदस्थ किए गए हैं और उन्हें ही वर्तमान में पढ़ई तुम्हार द्वार का भी प्रभार दिया गया है। अब मैं समापन अवसर पर श्री उमेश साहू जी जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि समापन सत्र में वो इस कंक्लूड करें। श्री उमेश साहू जी। धन्यवाद पंडित। पढ़ाई तुम्हार द्वार के राज्य स्तरीय इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करने वाले सभी अधिकारीगण और शिक्षक साथी, यहाँ पर अभी आदरणीय शिव हरे सर है, सुधीर जी है, विद्या मैडम है, इनके द्वारा जितनी भी चर्चाएं की गई है निर्देश दिए गए हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उसको व्यवहारिक रूप से धरातल पर उतार कर हमारा जो मोहल्ला क्लास है उसको सेतु पाठ्यक्रम और आकलन है उसको पूर्ण रूप से आप लोग अनुपालन करते हुए हमारे जो मोहल्ला क्लास है उसको आगे तक ले जाएंगे और छत्तीसगढ़ का जो शिक्षा के क्षेत्र में कोरोना के कारण जो डिस्टर्ब पैदा हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति मोहल्ला क्लास के माध्यम से करेंगे। इसी आग्रह के साथ आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे स्पेशल सेल के जो प्रभारी डिप्टी डायरेक्टर एससीईआरटी श्री उमेश कुमार साहू जी। अब मैं सभी को इसी आशा और विश्वास के साथ कि आज के वेबिनार में बताए गए सभी चीज़ों का हम अक्षरशः पालन करेंगे और इस संकल्प के साथ मैं एडिशनल डायरेक्टर आदरणीय शिवारे सर की अनुमति से इस वेबिनार को समाप्त करता हूं। आप सभी को प्रशांत पांडे का नमस्कार, धन्यवाद। जय जय हिंद, जय अक्षर।